कर दे। ओके, सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सारे लोग। तो आज गाइस ये थोड़ा न्यू चैनल है, तो इस पर एक डार्क हॉर्सेस नाम का टूर्नामेंट चलने वाला है। तो गाइस आज का फर्स्ट मैच आज आपको देखने को मिलेगा जो होने वाला है मीरामार का। यहाँ पे गाइस बंदे थोड़ा सा कम आए, क्या पता शायद कोई और टूर्नामेंट आज इसी टाइम पे, इसी वजह से गाइस थोड़े से बंदे आज इस रूम में कम देखने को मिलेंगे। बट कोई ना गाइस, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अच्छे से परफॉर्मेंस दिखा पाए आप लोगों को, अच्छे से सभी लोगों का गेम प्ले दिखा पाए, क्योंकि बंदे कम है मीरामार का मैप पे। काफी अर्ली फाइट तो नहीं देखने को मिलेगी, बट जैसे ही मैप छोटा होगा आपको काफी ज्यादा फाइट देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी मैप कहां से गाइस, प्लेन कहां से मूव करता है, कहां पर बंदे लैंड करते हैं। तो गाइस यहां पर प्लेन बंदे इस मैच में भी काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। गॉड स्विंग्स के बंदे हैं, हाइड्रा के बंदे हैं, नेक्सस सोल्टी स्क्वाड्स बंदे काफी अच्छे, रिप स्क्वाड के बंदे हैं। सो लेट्स सी गाइस, प्लेन गाइस मुझे यहां से मूव करता हुआ दिख रहा है, लॉस लिनोस के पास से होता हुआ जाएगा और वाटर ट्रीटमेंट। तो बंदे गाइस जंकयार्ड काफी जगह उतर सकते हैं, इम्पाला, अल अजहर, तो गाइस बंदे हमें सब जगह देखने को मिल सकते हैं। हाइड्रा के बंदे इस रूम के अंदर देखने को मिल रहे हैं, गॉड रिंग्स के बंदे हैं, बीएफआर के बंदे हैं। तो लेट्स सी गाइस सबसे पहले कौन सी टीम यहाँ पर जंप करती है और कौन। ओके ओके, सो हेलो गाइस, मेरे को लगा मेरी स्ट्रीम की आवाज मुझे आने लग गई। सो गाइस देखते हैं, सबसे पहले गाइस यहाँ पर टीम सीएस के बंदों ने यहाँ पर जंप कर लिया। तो टीम सीएस की बंदे यहाँ पर नीचे जंप कर चुके हैं और लैंड करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। उनके साथ ही गाइस यहाँ पर टीम नंबर 7 ने भी जंप कर लिए, जो टीम नंबर 7 है यहाँ पर यूएमई की टीम ने भी यहाँ पर जंप कर लिए। तो वो भी गाइस यहाँ पर आगे जाते हुए दिख रहे हैं, मेरे को यहाँ से लग रहा है कि वो थोड़ा सा दूर जाएंगे, एक अच्छी पोजिशन पर होल्ड करेंगे, फिर जाकर गाइस एक अच्छी लूट लेंगे। तो गाइस रिप स्क्वाड ने भी यहाँ पर लॉस लिनोस के लिए जंप कर लिए, लॉस लिनोस की तरफ यहाँ पर रिप स्क्वाड लैंड करेगी। रिप स्क्वाड में गाइस हमें देखने को मिले राहुल, करण, बादशाह और गाइस गुरुकरण यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यहां पर रिप स्क्वाड में हमें चारों बंदे बहुत ही अच्छे देखने को मिल रहे हैं। तो लेट्स सी यहां पर कौन सी टीम यहां से चिकन निकाल देगी, बंदे थोड़े कम है बट लेट्स सी, देखने को मजा तो आएगा ही। सोल्टी स्क्वाड भी गाइस यहां पर जंप कर चुकी है, तो सोल्टी स्क्वाड कहां पर लैंड करती है भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि आप सभी लगभग बंदे जानते होंगे सोल्टी स्क्वाड को। यहां पर सोल्टी स्क्वाड अल अजहर के लिए जाती हुई, तो ठीक है सोल्टी स्क्वाड हमें अल अजहर पर देखने को मिलेगी। यहां पर नॉट मेजर गॉड्स के बंदे गाइस यहां पर कहां पर जा रहे हैं, गॉड्स के बंदे गाइस पैकार्डो के लिए जा रहे, बहुत ही सही। और पैकार्डो पे इनके साथ कोई नहीं है, तो इजी लूट गाइस अच्छे से लूट लेगी यहां पर सब टीमें गाइस। अर्ली फाइट देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि सभी टीमें यहां पर अच्छे से लूट लेगी फिर जाकर फाइट लेगी। तो एक बहुत ही अच्छी बात होने वाली है, यहां पर सभी टीमें एक लूट लेगी फिर जाकर फाइट लेगी। तो यहां पर आईएसओ के बंदे भी यहां पर, बट आईएसओ के साथ मुझे यहां पर टीम नंबर 3 भी देखने को मिली, जो टीम नंबर 3 यहां पर है डेडली की टीम, टॉड की टीम यहां पर डेडली इनके साथ खेल रहे। तो लेट्स सी यहां पर एक अर्ली फाइट देखने को मिलती है, यानी टीम नंबर 17 और टीम नंबर 3 के बीच। सो यहाँ पर बी एफ आर की टीम भी जंप कर चुकी है, हाइड्रा की टीम भी जंप कर चुकी है, नेक्सस की टीम कहाँ है, नेक्सस की टीम भी इस गेम के अंदर मेरे को देखने को मिली थी बट अभी नहीं दिख रही है। ये रही टीम नेक्सस, टीम नेक्सस, टीम नेक्सस के बंदे भी गाइज यहाँ पर लूट लेना स्टार्ट कर लिए, बट इनके पास अभी मुझे कोई बंदा नहीं दिख रहा। तो अभी सभी टीमें गाइज इजी लूट लेगी यहाँ पर, टीम नंबर सिक्स और टीम नंबर 2 एकदम पास पास लैंड कर रही है। तो यहाँ पर एक इजी लूट इनके लिए दोनों के लिए देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर एक अर्ली फाइट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी क्लोज लैंड की है। बी एफ आर की टीम भी नीचे उतर चुकी है, हाइड्रा की टीम भी यहाँ पर उतर रही है, तो यहाँ पर एक अर्ली फाइट देगी। बट बी एफ आर की टीम यहाँ पर गाड़ी लेकर निकल रही है, क्योंकि वो एक अर्ली फाइट लेने के बिल्कुल मूड में नहीं है। तो बी एफ आर की टीम यहाँ से निकल लेगी, आई थिंक यहाँ पर एक अर्ली फाइट देखने को यहाँ पे भी नहीं होगा, बट बी एफ आर का एक बंदा यहां पर नीचे उतर चुका है। सो लेट्स सी यहां पर हाइड्रा वर्सेस पीएफआर में फाइट देखने को मिलती है यानी यो हाइड्रा के बंदे भी यहां पर जंप तो कर ही चुके हैं, फाइट जरूर देखने को मिल सकती है, बट यहां पर लेट्स सी बीएफआर और हाइड्रा एक दूसरे से भिड़ते हैं या फिर यहां दोनों से एक टीम यहां से निकल लेगी बिना फाइट लिए। तो मैप अभी गाइज यहाँ पर जोन मुझे यहाँ पर लॉस लिनोस के ऊपर दिखता हुआ है, तो बस कोई दो टीमें गाइज जोन के बाहर है। तो यहाँ पर हाइड्रा और यूएमए की टीम को यहाँ पर जोन के, बीएफआर की टीम को जोन के अंदर जाना है, और एक और टीम जो आईएसओ की टीम है उनको भी जोन के अंदर जाना है। बाकी सारी टीमें मुझे जोन के अंदर दिख रही है, तो उनके उन टीमों के लिए यहाँ पर थोड़ा सा एक अच्छी बात है कि उनके लिए जोन यहाँ पर फर्स्ट जोन उनके लिए बनता हुआ, तो उनके लिए थोड़ा सा अच्छा होगा कि वो जोन के अंदर ही रहेंगे। यहाँ पर मुझे आईएसओ का एक बंदा एम बॉट यहाँ पर थोड़ा सा अपनी टीम से थोड़ा सा स्प्लिट दिख रहा है, तो ये अपनी टीम के पास पूरी जाने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पर अपनी टीम चला जाएगा। बट डेडली की टीम भी यहां पर काफी ज्यादा क्लोज है, तो टॉड की टीम है यहां पर काफी ज्यादा क्लोज में इनके पास उतरी हुई है, तो यहां पर एक अर्ली फाइट इन दोनों के बीच में भी देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा वेट करेंगे। सो लेट्स सी यहां पर फाइट होती है या फिर यहां से भी एक टीम बिना फाइट लिए निकल जाएगी। एम बॉट, तो गाइस एम बॉट यहाँ पर टॉमी, ओके सो फ्लेयर गन चलाई गई है, आई थिंक यहां पर फ्लेयर गन यहां पर टीम नंबर 5 के द्वारा चलाई गई है। किस टीम ने फ्लेयर गन चलाई है,
बट गाइज यहाँ पर बंदे काफी ज्यादा कम है तो फाइट देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा अपने को। गॉड्स की टीम यहाँ पर ऑलरेडी पैकार्डो पे होल्ड करके बैठी, इजी लूट लेगी सभी टीमें गाइज, एक लूट लेगी फिर जाकर फाइट लेगी। तो अभी हमें कहीं पे भी शॉट्स देखने को नहीं मिलेंगे, थोड़ी सी देर लगेगी। सीएस की टीम भी गाइज यहाँ पर रैप्टर और वहां पर इजी लूट ले रहे हैं, अभी कोई भी टीम यहाँ पर फाइट लेने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। सभी टीमें यहाँ पर लूट लेगी, अच्छी गियर्स अपने पास रखेगी और फिर जाकर गाइज फाइट लेगी। तो लेट्स सी यहाँ पर फाइट कौन सी टीम पहले लेती है और कौन सी टीम यहाँ से मीरामार का गेम में चिकन निकालती है, क्योंकि सभी टीमें यहाँ पर इजीली अभी लूट ले रही है। सो 2 सेकंड हम रैप्टर, ओके सो यहाँ पर सीएस के रैप्टर यहाँ पर एक व्हीकल उठाते हुए आई थिंक अपनी टीम के साथ थोड़ा सा जोन के अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर टीम नंबर 5 ने जो फ्लेयर गन चलाई थी पैकार्डो पे, उनके लिए यहाँ पर फ्लेयर ड्रॉप आता हुआ, तो इस फ्लेयर ड्रॉप के अंदर हमें देखने को मिला AWM लेवल 3 का पूरा सेट और ऑग की ऑग, एक मतलब एक और ऑग देखने को मिल रही थी। एक अच्छी लूट यहाँ पर गॉड के लिए, यहाँ पर अच्छी गियर्स इनको मिल जाएंगे, ऑम एक अच्छी मिल जाएगी, एक यहाँ पर ऑग, एक इनको क्लोज रेंज के लिए एक अच्छी गन मिल जाएगी। तो लेट्स सी यहाँ से कौन सी टीम आगे निकलेगी, क्योंकि फाइट अभी भी यहाँ पर होने वाली है, काफी अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। रिप की स्क्वाड यहाँ पर है, ASD की, UME की स्क्वाड भी गाइस यहां पर इजी लूट ले रही है। अभी किसी का भी गाइस यहां पर एक भी प्लेयर फिनिश नहीं हुआ, सभी टीमें यहां पर इजीली रुक रखी है, कोई भी टीम यहां पर फिनिश नहीं होगी। तो देखते हैं यहां पर अब कौन सी टीम यहां पर फाइट लेती है, क्योंकि अभी सामने की तरफ यहां पर कोई भी टीम मुझे नहीं दिख रही है। टीम नंबर 5 है, रिप की स्क्वाड भी जोन के अंदर है, नेक्सस की स्क्वाड भी जोन के अंदर है, सोल्टी की स्क्वाड भी जोन के अंदर है। बट अभी कोई फाइट की बात करें तो गाइस वो फाइट हो सकती है हाइड्रा वर्सेस यहां पर BFR के बीच में, देखते हैं यहां पर फाइट होती है या फिर यहीं पर ही ये दोनों टीमें। ओके शॉट्स स्टार्ट, BFR की टीम पे गाइस यहाँ पर शॉट्स लिए गए हैं, तो फाइट अभी देखने को मिलेगी हाइड्रा वर्सेस BFR के बीच में। यहाँ पर हाइड्रा के क्रिस्ले यहाँ पर सामने की तरफ होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर BFR की टीम भी होल्ड कर रही है, बट फाइट अभी शॉट्स लिए गए थे। BFR के फ्रैग ओपी को थोड़े से शॉट्स दिए गए, डैमेज भी हुआ था, यहाँ पर बैंडेज लगाते हुए BFR के फ्रैग ओपी हाइड्रा के राइजर सामने से स्पॉट कर रखे। तो हाइड्रा वर्सेस BFR की फाइट यहाँ पर जरूर होने वाली है। हाइड्रा का गाइज दो बंदे दो दो की टीम में खेले, दो दो की स्प्लिट में खेले, बट BFR की टीम मुझे काफी ज्यादा स्प्लिट में दिख रही है। BFR के फ्यूजन काफी ज्यादा अलग है, फ्रैग ओपी काफी ज्यादा अलग है, और बाकी के दो बंदे जो टाइटन है और वो एक और कौन है रैपगोज रैपजॉर्ड यहां पर काफी ज्यादा अलग है। तो गाइस इनको एक साथ रहना चाहिए, आई थिंक दो दो की स्प्लिट में रहना चाहिए, बट यहां पर मुझे काफी ज्यादा अलग दिख रहे हैं। BFR के फ्यूजन भी काफी अलग है और BFR के बाकी दो बंदे भी, तीनों बंदे भी थोड़ा थोड़ा अलग है। बट हाइड्रा की टीम यहां पर 2-2 की स्क्वाड में खेल रही है, हाइड्रा के ऋषभ ने यहां पर स्पॉट कर रखा है। तो ऋषभ अगर यहां पर शॉट्स लेते हैं, अगर फ्रैग ओपी यहां पर नॉक होता है, BFR की टीम के लिए थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। बट यहां पर टाइटन के स्नो ने स्पॉट कर रखा है, मेरे को लग रहा है यहां पर ऋषभ स्पॉटेड है। तो लेट्स सी यहां पर टाइटन कुछ शॉट्स ले पाता है या नहीं, देखते हैं गाइस। शेनॉक गाइज अगले अभी 2 मैच और होने वाले हैं, तो उस मैच का भी हम थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अगले 2 मैच जो होने वाले हैं वो होगा, एक शेनॉक का मैच होगा, एक वेकेंडी का मैच होगा। तो देखते हैं यहाँ पर जैसे ये मैच खत्म होता है, BFR की टीम अभी भी होल्ड कर रही है, यहाँ पर एक अच्छी हाइट पर जाने की कोशिश कर रही है। हाइड्रा के काफी ज्यादा क्लोज में आते हुए फ्यूजन यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज में आ चुके हैं, आई थिंक यहाँ पर माफिया स्पॉट हो सकता था। भाई नेट डाले गए हैं यहाँ पर, माफिया स्पॉट हो सकता था, काफी ओपन में हाइड्रा का खिसले काफी बार आ चुका है। आई थिंक फाइट देखने को मिलेगी, माफिया नॉक, ओके फर्स्ट नॉक देखने को मिला यहाँ पर, हाइड्रा का माफिया नॉक हो चुका है, हाइड्रा की टीम का गाइस एक बंदा ऑलरेडी नॉक हो चुका है। तो BFR वर्सेस हाइड्रा की एक फाइट जरूर देखने को मिलेगी। BFR के फ्यूजन ने बहुत ही अच्छा नॉक निकाला, माफिया को नॉक कर दिया गया, माफिया को रिवाइव देने के लिए। ओके हाइड्रा का एक और बंदा यहां पर ऋषभ भी नॉक हो चुका है, तो BFR की टीम यहां पर ट्रेड लेती हुई दो बंदों को ऑलरेडी नॉक कर चुकी है। यहां पर फ्यूजन एक नेड करेंगे, किसले यहां पर बहुत ही ज्यादा ओपन में आ चुके, अगर यहां पर किसले भी नॉक होते हैं तो हाइड्रा की टीम के लिए यहां पर ट्रबल हो सकता है। BFR की टीम ऊपर की तरफ से बहुत ही सही से फ्यूजन ने एक नॉक निकाला और एक और नॉक निकाला था, तो वो था रैपजॉर्ड ने एक बहुत ही सही नॉक निकाला, तो किसले भी काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। फ्यूजन ने स्पॉट कर रखा है, अगर फ्यूजन यहाँ पर जंप लेके यहाँ पर किसले को फिनिश कर पाता है तो हाइड्रा की टीम ऑलमोस्ट गाइस फिनिश हो जाएगी। और वहां पर गाइस ऋषभ को रिवाइव दे दिया गया है, तो हाइड्रा की टीम वापस से 3 मैन के साथ। एक मॉल्टो बहुत ही सही फ्यूजन के लिए मॉल्टो डाला गया, भाई बहुत ही सही मॉल्टो था, बट यहाँ से फ्यूजन बचता हुआ थोड़ा सा आगे जाएगा। तो हाइड्रा वर्सेस BFR, लेट्स सी यहाँ से कौन सी टीम निकलती है। ओके तो यहाँ पर BFR का एक बंदा नॉक होता है और फिनिश हो जाएगा। सो गाइस BFR का एक बंदा यहाँ पर नॉक हुआ, फिनिश हुआ, हाइड्रा की टीम यहाँ पर फर्स्ट किल फर्स्ट ब्लड हमें देखने को मिला BFR की तरफ से। BFR की टीम का एक बंदा गाइस यहाँ पर फिनिश होता हुआ, तो BFR की टीम अब 3 मैन के साथ रहेगी। हाइड्रा की टीम यहाँ पर फर्स्ट किल निकालती हुई, रैपजॉर्ड अभी भी अलाइव है, फ्यूजन अलाइव है, फ्रैग गॉड अलाइव है, तो यहाँ पर टाइटन फ्रैग ओपी अभी भी अलाइव है, तो यहाँ पर टाइटन स्नो फर्स्ट किल। ओके ओके यहाँ पर फ्यूजन और गाइस यहाँ पर किसले में फाइल
फाइट अभी भी देखने को मिल रही है। तो दोनों टीमें काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है। लेट्स सी यहां पर फाइट होती है और कौन सी टीम यहां से आगे निकलती है, क्योंकि हाइड्रा अभी भी फोर मैन के साथ है। बीएफआर अपना एक बंदा ऑलरेडी खो चुके हैं। फ्रैगो भी सामने की तरफ से आते हैं। तो लेट्स सी यहां पर हाइड्रा की टीम फाइट ले पाती है या फिर हाइड्रा की टीम यहां पर बीएफआर की टीम को फिनिश कर पाएगी। तो देखते हैं यहां पर रैपजॉर्ड थोड़ा सा पीछे की तरफ जाते हुए, हाइड्रा से थोड़ा सा पीछे आ चुके हैं। रैपजॉर्ड यहां पर एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करते हुए, बट यहां पर ऋषभ आप सामने की तरफ से स्पॉट कर रखे हैं। राइजर है, माफिया है, किसले, तो यहां पर फ्यूजन और किसले के बीच में फाइट जरूर देखने को मिलेगी। दोनों यहां पर टीपीपी खेल रहे, किसले सामने की तरफ होल्ड करके बैठे, फ्यूजन भी अभी यहां पर होल्ड करके बैठा। तो देखते हैं यहां पर फ्यूजन या फिर हाइड्रा, लेट्स सी। बट यहां पर फाइट लेने के मूड में नहीं है, मेरे को लग रहा है यहां पर टीपीपी खेल रहे हैं। हाइड्रा राइजर BFR के फ्यूजन गाइज अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रहे हैं। हाइड्रा की टीम में अभी फाइट देखने को नहीं मिलेगी। किसले है, माफिया है, राइजर है, ऋषभ है। तो गाइज जोन अभी सिंक्रोनाइज स्टार्ट हो चुका है। गाइज इन दोनों टीमों को जोन के अंदर जाना है, जोन इनके ऊपर से निकल जाएगा और इन दोनों ही टीमों को जोन के अंदर जाना है। फर्स्ट जोन है गाइज, डैमेज काफी कम देगा बट जोन के अंदर तो जाना पड़ेगा। फ्रैग ओपी भी जोन के लिए निकलना शुरू कर दिए, मेरे को लग रहा है फ्रैग ओपी जोन के लिए निकलना स्टार्ट कर दिए। यहाँ पर जॉर्ड को भी जोन के अंदर जाना है और गाइज फ्रैग ओपी और फ्यूजन को भी जोन के अंदर जाना है। तो हाइड्रा की टीम भी अभी जोन में मूव करना स्टार्ट करेगी। तो गाइज जोन के अंदर अभी हमें कहीं फाइट देखने नहीं मिल रही है। नेक्सस की टीम भी अच्छे से होल्ड कर रही है, रिप की स्क्वाड भी होल्ड कर रही है, सोल्टी की स्क्वाड भी होल्ड कर रही है। तो फाइट अभी भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी। बट यहां पर आईएसओ के साथ यहां पर मुझे टीम नंबर 3 जो टॉड की टीम है यहां पर फाइट देखने को मिल सकती है। काफी देर से यहां पर होल्ड कर रहे हैं बट यहां पर मुझे टॉड की टीम के काफी ज्यादा क्लोज में यहां पर रिप की टीम दिख रही है। तो लेट्स सी यहां पर फाइट देखने को मिलती है आईएसओ और टॉड के बीच में या नहीं, क्योंकि आईएसओ की टीम गाइस यहाँ पर स्पॉट तो कर रखी है टॉड की टीम को। उनको थोड़ा सा पता है कि दूर की तरफ कोई टीम जंप की थी बट यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है, यानी ये देखने वाली बात होगी। यू आईएसओ के विपिन यहाँ पर एम एडीएस ओपन करते हुए बट यहाँ पर एडीएस में कुछ दिखेगा नहीं। सो लेट्स सी यहाँ पर आईएसओ की टीम आगे जाती है या फिर फिनिश हो जाएगी। हाइड्रा और गाइज अभी भी फाइट लेने के बिल्कुल मूड में। बीएफआर की टीम, हाइड्रा की टीम अभी भी एक दूसरे के सामने होल्ड करके बैठे हैं बट अभी कोई फाइट ले नहीं रहा। हाइड्रा की टीम भी अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है, बीएफआर की टीम भी होल्ड कर रही है। कोई भी टीम यहाँ पर जोन के लिए निकली नहीं। हाइड्रा का ऋषभ सामने की तरफ एकदम टीपीपी लेके खड़े हैं। बीटीआर बीएफआर के फ्यूजन को स्पॉट कर रखा है। वहां पर फ्रैग ओपी आई थिंक शॉट देते हुए, फ्रैग ओपी ने गाइज हाइड्रा के किसलिए को स्पॉट कर लिया था बट यहाँ पर शॉट्स लिए गए बट कनेक्ट नहीं हुए। मेरे हिसाब से यहाँ पर किसी एक भी शॉट कनेक्ट नहीं हुआ। तो डैमेज यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिला किसलिए को। तो यहाँ पर किसलिए वापस से खड़े हुए बट शॉट्स लिए जा रहे हैं रैपजॉर्ड की तरफ से। हाइड्रा की टीम गाइस अभी भी होल्ड करती हुई यहाँ पर बीएफआर के फ्यूजन अभी भी एक जगह पर टीपीपी ले रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि नीचे की तरफ तीन बंदे घूम रहे हैं। यहाँ से अगर बाहर निकले तो इनके लिए ट्रबल हो सकता है, क्योंकि इनकी बीएफआर की टीम बिल्कुल ही गाइस स्प्लिट हो रखी है। एक बंदा मुझे यहाँ पर दिख रहा है, दूसरा एकदम ही अलग और तीसरा बिल्कुल ही अलग। तो गाइस तीनों ही बंदे बहुत ही ज्यादा स्प्लिट हो रखे, अगर थोड़ा सा भी पास पास होते तो कवर दे पाए। जैसे ही गाइस, जैसा कि आपने देखा बीएफआर का टाइटन फिनिश हो गया था बट गाइस फाइट लेने के बिल्कुल भी अगर एक अच्छा सा अगर फाइट लेनी है तो गाइस 2-2 के स्प्लिट में खेलना चाहिए, क्योंकि गाइस अगर एक भी बंदा फिनिश होता है तो आप पीछे से कवर देके उससे रिवाइव दे पाओ। मीनवाइल गाइस यहां पर टीएम की आरआईपी के साथ यहां पर एक फाइट देखने को मिल रही है। आरआईपी की यहां पर शॉट्स लिए गए, कौन सी टीम यहां पर शॉट्स ले रही थी? ओके टीएम नेक्सस की टीम है। ओके नेक्सस की टीम यहां पर किस पे शॉट्स ले रही थी ब्रो? आई थिंक खुद के ही बंदे को नॉक किया था। व्हाट इज दिस, खुद के ही बंदे को नॉक किया था, ये समझ में नहीं आया मेरे को। व्हाट इज दिस, मेरे को समझ में नहीं आया, कोई ग्लिच वगैरह था या फिर क्या था मुझे नहीं पता। बट यहाँ पर खुद की टीम को फिनिश, एक बंदे को फिनिश कर दिया था। हाइड्रा की टीम गाइस एक बंदा अपना फिर से एक नॉक कराती हुई, राइजर फिर से नॉक होते हुए। तो राइजर को यहाँ पर रिवाइव देने के लिए यहाँ पर माफिया आ चुका है बट यहाँ पर फ्यूजन पुश करने के लिए आता है और फ्यूजन भी गाइस यहाँ पर नॉक होता है। फ्यूजन गाइस यहाँ पर पुश करने के लिए आया बट फ्यूजन यहाँ पर नॉक हो चुका है। टीम नंबर 6 प्लेइंग वेरी गुड गेम। बीएफआर की टीम गाइस ट्रबल में, बीएफआर का फ्रैग ओपी भी नॉक है, रैपजॉर्ड रिवाइव देने जा रहा है बट आई थिंक बीएफआर के लिए ट्रबल हो सकता है। किसलिए सामने की तरफ से आ चुके हैं, किसलिए को पता है कि वहां पर फ्रैग ओपी को नॉक किया गया है। वहां पर से अगर रैपजॉर्ड भी फिनिश होता है तो बीएफआर की टीम यहाँ पर एग्जिट ले लेगी, फर्स्ट टीम यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। रैपजॉर्ड भी काफी ज्यादा दूर है, फ्रैग ओपी यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे। तो जेड आई थिंक बीएफआर की टीम के लिए ट्रबल है और मेरे को यहाँ पर फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। रैप गॉड के पास गाइस यहाँ पर फर्स्ट एड बिल्कुल भी नहीं दिख रहे हैं। आई थिंक यहाँ पर जोन से भी फिनिश हो सकता है रैपजॉर्ड। यहाँ पर एक ड्रिंक मिल गई है, नाइस। और मीन गाइस गाइस यहाँ पर सोल्टी स्क्वाड की भी मुझे एक फाइट देखने को मिल रही है। सोल्टी स्क्वाड गाइस टीम नंबर 5 के काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है और टीम सोल्टी का गाइस निम्मा यहाँ पर नॉक होता है। टीम गॉड्स के बंदों को रैपजॉर्ड चल ले, ये टोरे ने तो कैंप को
भाई किसी का माइक ग्लिच हो इधर ना गया, कुछ मिलता है ना कुछ हो। किसी का माइक ग्लिच हो गया शायद, मेरे को आवाज आ रही है। तो गाइस सोल्टी के स्क्वाड के सामने यहाँ पर मुझे, अरे भाई किसका माइक ग्लिच हुआ है, ये पबजी भाई क्या ही चीज है भाई। सोल्टी की टीम ने यहाँ पर एक नॉक निकाला है, वहां पर बीएफआर की पूरी टीम गाइस फिनिश होती है। बीएफआर की टीम यहाँ पर एग्जिट ले चुकी है गाइस, एक बंदा था जो जोन से फिनिश होता हुआ था, रेपजॉर्ड यहाँ पर जोन से फिनिश होता हुआ और बीएफआर की टीम यहाँ पर एग्जिट लेती हुई। सोल्टी की टीम अभी भी होल्ड करेगी यहाँ पर, सोल्टी का एक बंदा गॉड गॉड्स फिर से यहाँ पर नॉक निकाल दे, तो गॉड्स के गाइस दो बंदे यहाँ पर नॉक कर दिएगा। सोल्टी स्क्वाड प्लेइंग वेरी गुड गेम, गॉड्स के दक्ष अभी भी सामने तरफ उठ कर रहे हैं, गॉड्स के दक्ष भी यहाँ पर नॉक होते हैं, तो गॉड्स के अवेटार के लिए गाइस यहाँ पर थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। सोल्टी के एजे ओके ओके, गॉड्स के दक्ष गाइस काफी गलत पोजीशन में, यहाँ पर नीमा अगर स्पॉट करता है, नीमा सामने की तरफ आता हुआ, अवेटार सामने की तरफ आ चुका है। ओके सो गॉड्स की टीम के लिए ट्रबल है गाइस, गॉड्स की टीम आई थिंक गॉड्स की टीम यहाँ पर एग्जिट ले लेगी। तीन बंदे ऑलरेडी फिनिश हो चुके और गाइस बीएफआर के बाद यहाँ पर गॉड्स की टीम भी गाइस यहाँ पर एग्जिट लेती हुई, सोल्टी स्क्वाड यहाँ पर एक स्क्वाड को फिनिश करती हुई और गॉड्स की टीम गाइस यहाँ पर फिनिश हो चुकी है। तो गाइस अब भी एक और फाइट देखने को मिल रही है, टीम नंबर 17 आईएसओ के साथ यहाँ पर टी टॉड के बंदे गाइस आ चुके हैं। टॉड के गाइस दो बंदे यहाँ पर नॉक हो चुके, कार्नेज भी यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, टॉड के बाकी बंदे कहाँ मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहे हैं। टेडली पीछे की तरफ है, यहाँ पर सामने आ रहे हैं अपने टीम मेट्स को रिवाइव देने, बट यहाँ पर काफी ज्यादा दूर है, तो टॉड की टीम मेट्स अभी अगर रिवाइव नहीं दे पाए तो कार्नेज वहां पर फिनिश हो सकता है। सो लेट्स सी आईएसओ की टीम यहां पर कोई किल निकाल पाती है या फिर टॉड के बंदे यहां पर आकर कार्नेज को रिवाइव दे देंगे, क्योंकि यहां पर टॉड के कार्नेज भी नॉक है और एक और बंदा नॉक है, वो कहां पर है। टॉड की टीम के लिए ट्रबल है गाइस, गाइस यहाँ पर दो टीमें ऑलरेडी एग्जिट ले चुकी है, बीएफआर की टीम एग्जिट ले चुकी है और गाइस यहाँ पर गॉड्स की टीम एग्जिट ले चुकी है। तो सोल्टी की स्क्वाड ने काफी अच्छी तरीके से यहाँ पर गॉड्स की टीम को फिनिश किया, एसओ की टीम यहाँ पर पुश करने के लिए आ चुकी है। कार्नेज गाइस सामने की तरफ स्पॉटेड है, आई थिंक कार्नेज इजीली फिनिश हो जाएंगे कार्नेज को, बट वहां पर से डेडली यहाँ पर शॉट्स लेते हुए, डेडली गाइस यहाँ पर शॉट्स ले रहा है, आईएसओ की टीम के ऊपर शॉट्स लेते हैं, बट कार्नेज को रिवाइव देना मेरे को नहीं लग रहा पॉसिबल है, क्योंकि बाकी टॉड के दोनों बंदे काफी ज्यादा दूर है, डॉन भी काफी ज्यादा दूर है और डेडली भी काफी ज्यादा दूर है। आई थिंक डॉन यहाँ पर जाने की तैयारी कर रहे हैं क्या, नो। सो गाइस आई थिंक आईएसओ की टीम यहाँ पर फिनिश कर देगी। ओके सो गाइस टॉड की टीम अभी भी यहाँ पर कार्नेज को रिवाइव देना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं रहा है, आईएसओ के किलर ओपी सामने की तरफ ही होल्ड करके बैठा, अगर यहाँ पर कोई बंदा रिवाइव देने आता है तो आईएसओ की टीम यहाँ पर फिनिश कर देगी। और टॉड की टीम अभी दो बंदे ऑलरेडी खो चुके, डॉन गाइस यहाँ पर मूव करना स्टार्ट कर दिया, आई थिंक यहाँ पर थोड़ा सा फाइट लेने के मूड में नहीं। यहाँ पर टॉड की कार्नेज फिनिश होते हुए जोन से गाइस आई थिंक ब्लीड आउट होकर फिनिश हो गए, जोन से तो नहीं ब्लीड आउट होकर गाइस कार्नेज फिनिश हो गए। तो अब भी हम चलते हैं टीम नंबर 21 नेक्सस की तरफ, जो गाइस आप लोगों को पता ही होगा रूट स्नाइपर टीम नेक्सस, आई थिंक रूम के अंदर था रूट स्नाइपर बट शायद ग्लिच हुआ होगा, आपको क्या पता क्या हुआ, तो रूट स्नाइपर बाहर चला गया था रूम से। तो टीम नंबर 11 अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है, नेक्सस के यहाँ पर ज्यूस काफी सामने आ चुके हैं, टीम सीए सामने की तरफ होल्ड कर रही है, एक AWM ओपन और शॉट भाई बचते हुए यहाँ पर डॉन यहाँ पर बच चुके हैं, तो डॉग है यहाँ पर बच जाएंगे, बट यहाँ पर सीएस के रैप्टर टीम नंबर 21 को स्पॉट कर सकते हैं। सीएस की टीम गाइस सामने की तरफ होल्ड कर रही है, नेक्सस के बंदे भी यहाँ पर आ चुके हैं, सीएस के गाइस देवांश काफी ज्यादा देवांश ओके यहाँ पर काफी ज्यादा दूर जा चुके हैं। टीम नंबर 21 को अगर यहाँ पर स्पॉट करते हैं, नेक्सस के यहाँ पर बंदे का स्पॉट होते थे एक एक करके, एक बंदा इनको मेरे को नहीं पता इन्होंने खुद ने फिनिश किया या फिर कैसे फिनिश हो गया था, बट नेक्सस का गाइस लीजेंड यहाँ पर कार 98 के शॉट से नॉक होता था, नेक्सस की टीम के लिए ट्रबल है। लीजेंड को यहाँ पर रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर 3 मैन के साथ ऑलरेडी खेल चुकी है और ज्यूस यहाँ पर रिवाइव देने जाते हुए बट पहुंच जाएंगे। ओके नो ओके तो रिवाइव देने तो आ चुके, लीजेंड को यहाँ पर रिवाइव मिल जाएगा। तो टीम नेक्सस अभी 3 मैन के साथ खेली, सीएस की टीम अभी 4 मैन के साथ देखने को मिल रही है, तो सीएस की टीम यहाँ पर पुश कर पाएगी या नहीं देखने वाली बात होगी, क्योंकि सामने की तरफ तो जा रही है, दिवांश सामने की तरफ भी होल्ड कर रहा है, अगर यहाँ पर दिवांश स्पॉट कर लेता है तो टीम सीएस के रैप्टर सामने की तरफ जा रहा है, तो लेट्स सी यहाँ पर फाइट देखने को जरूर मिलेगी। रैप्टर क्या कर रहा है भाई, अच्छा रैप्टर अच्छा एक ही टीम में, सॉरी गाइस मेरे को लगा अलग अलग टीम के, मेरे को लगा अलग अलग टीम के दोनों एक ही टीम के हैं, सॉरी। सो सीएस की टीम यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर लिया, अभी फाइट लेने के मूड में नहीं है। टीम नंबर 7 अगर यहाँ पर शॉट लेती है, टीम नंबर 7 का बंदा क्या कर रहा है यहाँ पे। ओके नो कनेक्शन,
रैप्टर भी गाइस स्पॉट हो रखा है, रैप्टर पे भी शॉट लिएगा बट रैप्टर अभी भी शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए। यहाँ पर एएसडी का एक्सडी यहाँ पर यूएमई क्लैन की तरफ से हमें खेलने को दिखते हैं, तो यहाँ पर अगर शॉट्स लिए गए बट कनेक्ट कर नहीं पाए सीएस के रैप्टर अभी भी सामने तरफ जाते हुए, तो मूव करेंगे जोन के अंदर जाके एक अच्छी पोजीशन होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बाकी सारी टीमों को भी गाइस जोन के अंदर जाना है, सोल्टी स्क्वाड को भी जोन के अंदर जाना है, यहाँ पर टीएम ड्रिप स्क्वाड सभी टीमों को गाइस जोन के अंदर जाना है। तो अभी मुझे ओनली टीम सीएस गाइस जोन के अंदर दिख रही है, रिप्टी स्क्वाड भी गाइस हाइड्रा की टीम ऑलरेडी एक और फाइट देखने को मिल रही है हाइड्रा की तरफ से, आईएसओ के एक बंदे को नॉक कर दिया गया। हाइड्रा की टीम प्लेइंग वेरी गुड गेम, हाइड्रा एक टीम को ऑलरेडी पहले बीएफआर को ऑलरेडी पहले फिनिश करके आई है और अब आईएसओ ओके आईएसओ के गाइस यहां पर आईएसओ के ओल्ड लॉर्ड भी गाइस यहां पर नॉक होते हैं। विपिन अभी भी अलाइव है, इमबॉट अभी भी अलाइव है, ऋषभ सामने की तरफ से आते हैं, ऋषभ ओके सो हाइड्रा के ऋषभ भी यहां पर नॉक होते हुए, तो हाइड्रा की टीम के लिए ट्रबल है। यहां पर किसले इकलौते अलाइव है, तो अगर हाइड्रा की टीम यहां पर फिनिश होती ओके सो गाइस यहां पर आईएसओ की टीम ने हाइड्रा की टीम का गेम खत्म किया। हाइड्रा की टीम भाई ये कौन सा मैच है जेरी भाई, ये डार्क हॉर्सेस कप है ब्रो। सोल्टी स्क्वाड गाइज अभी भी जोन के अंदर आ चुकी है, सीएस की स्क्वाड भी जोन के अंदर है, तो गाइज अभी भी तीन टीमें गाइज फिनिश हो चुकी है, बीएफआर की टीम फिनिश होती हुई, गॉड्स की टीम फिनिश होती है और हाइड्रा की टीम फिनिश होती हुई, तो अभी भी गाइज टीमें काफी अलाइव है, जोन गाइज सिंक हो चुका है। फाइट अभी भी देखने को मिलेगी, रिप की स्क्वाड गाइज मूव करती हुई, अभी फाइट लेने का मूड में नहीं है रिप की स्क्वाड गाइज, राहुल है, करण है, बादशाह है और गुरु करण, तो लेट्स सी रिप की स्क्वाड पहुंच पाती है जोन में और फाइट लेती। आईएसओ में कौन है, आईएसओ में गाइज देखने को मिल रहे हैं हमें आईएसओ की टीम में आईएसओ ओवरलॉर्ड विपिन एमबॉट और किलर ओपी फिनिश हो चुके हैं की तरफ से। बट गाइज आईएसओ की टीम ने यहाँ पर हाइड्रा की टीम को बहुत ही अच्छी तरीके से फिनिश किया। यूएमई की तरफ से गाइज अभी भी तीनों बंदे अलाइव है, यहाँ पर यूएमई का एक बंदा फिनिश हो चुका था बट यूएमई की टीम यहाँ पर थ्री मैन के साथ खेल लिया, तो फाइट अभी भी देखने को मिल सकती है यूएमई की तरफ से। लेट्स सी यहाँ पर यूएमई की टीम किल्स निकाल पाती है या फिर अर्ली एग्जिट ले लेती, क्योंकि एक बंदा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। सात टीम अभी भी अलाइव है, 23 बंदे जोन गाइज अभी सिंक होना स्टार्ट हो गया है, जोन गाइज किस तरह मूव करता है भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जोन के अंदर सभी टीमों को जाना है। आईएसओ की टीम को गाइज जोन के अंदर जाना है, बहुत ही ज्यादा दूर दिख रहे हैं जोन के अंदर आईएसओ की टीम को जाना है, व्हीकल है इनके पास तो जोन के अंदर आई थिंक पहुंच जाएंगे बट अभी भी देखते हैं पहुंच पाते हैं या नहीं, और सोल्टी स्क्वाड पर चलते हैं। ओके सीएस की टीम को सोल्टी ने यहां पर स्पॉट कर लिया, नाइस ओके शॉट लिए जा रहे हैं सामने से भी, वेरी सोल एंड फिनेटिक ब्रो, सोल एंड फिनेटिक के आज शायद वो पीएमसीयू के मैचेस ऐसा कुछ है, सो उनके मैचेस शायद कल होंगे ऐसा कुछ है, आज था उनका मैचेस बट किसी वजह से कैंसिल करना पड़ा, आज था आज उनका मैच। सीएस की टीम गाइस अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है, यहाँ पर सोल्टी स्क्वाड की एक और फाइट देखने को मिल सकती है टीम सीएस की तरफ से, सीएस के बंदे एक रिज पे होल्ड करके बैठे हैं और सामने की तरफ टीम सोल्टी भी एक रिज को होल्ड करके बैठे, तो फाइट इन दोनों की तरफ से शॉट्स दोनों की तरफ से बराबर लिए जा रहे हैं बट अभी किसी की तरफ से भी कोई नॉक देखने को नहीं मिला है, तो जब तक नॉक नहीं होता फाइट देखने को मजा नहीं आता, क्योंकि नॉक जैसे ही होता है फाइट और भी ज्यादा एग्रेसिव होती है। AWM भाई साहब ओके भाई सोल्टी नीचे की तरफ से कौन सी टीम आ रही है, ओके सोल्टी का ही बंदा है, तो यहाँ पर सोल्टी के चारों बंदे यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, सीएस के चारों बंदे सामने की तरफ होल्ड कर रहे हैं, जोन गाइस और सिंक हो चुका है, आईएसओ की टीम को अभी भी जोन के अंदर आना है, नेक्सस की टीम को, रिप की टीम को, सभी टीमों को गाइस जोन के अंदर आना है, अभी डेडली टॉड की टीम भी गाइस जोन के अंदर आना बाकी है, तो गाइस यहाँ पर एक एयर ड्रॉप देखने को मिला है, एयर ड्रॉप के अंदर MK14 है, लेवल 3 का पूरा सेट है और एक गिली सूट देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा क्लोज अगर कोई टीम है एयर ड्रॉप के तो वो है टीम सीएस, आई थिंक लूटने के लिए नहीं जाएगी एयर ड्रॉप क्योंकि इनको पता है अगर एयर ड्रॉप लूटने गए तो फिनिश भी हो सकते हैं, सोल्टी की स्क्वाड को पता है कि सीएस की टीम पर अगर ड्रॉप लूटने के लिए जाती है तो सोल्टी की स्क्वाड फिनिश कर सकती है, तो गाइस जोन अभी सिंक होने में एक मिनट है, टैबलेट में चला रखा है क्या, यस ब्रो टैबलेट नहीं आईपैड है ब्रो, सोल्टी की स्क्वाड ओके आई थिंक वो आईएसओ की टीम है, वो आईएसओ की टीम है सामने की तरफ से जो टीम जा रही है, नो यूएमई की टीम है, यहाँ पर चली जाएगी इजीली पहुंच जाएगी, बहुत ही ज्यादा दूर थी सोल्टी की टीम ने शॉट्स लेने की कोशिश की बट काफी ज्यादा दूर थी यहाँ पर यूएमई की टीम, तो अभी भी गाइस 23 बंदे अलाइव है, 60 टीम है, फाइट देखने में अभी भी मजा आएगा क्योंकि जोन अब छोटा है, बंदे ज्यादा है क्योंकि फर्स्ट जब जोन स्टार्ट हुआ था 40 बंदे थे, जोन काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, अभी भी गाइस 23 बंदे हमें जोन के अंदर देखने को मिला है, टोट की टीम अभी भी अलाइव है, यूएमई की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड करेगी, तो लेट्स सी टोट की टीम अभी निकाल पाती है नहीं, क्योंकि एक बंदा अपना ऑलरेडी फिनिश करवा चुकी है। यूएमई ओके सोल्टी का गाइस एक बंदा नॉक होता हुआ, नाइस
टीम नंबर 16 की तरफ से एक नॉक देखने को मिला गाइस। यहां पर सोल्टी का एक बंदा नॉक कर देगा और ओल्ड लॉर्ड यहां पर पुश करने के लिए जा चुके हैं। सोल्टी की गाइस यहां पर फाइट देखने को मिलेगी। आईएसओ की तरफ से सोल्टी के गाइस यहां पर नीमा नॉक हो चुके हैं। अगर एम बॉट काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, आई थिंक आईएसओ की टीम यहां पर काफी ज्यादा एग्रेसिव खेलती है। हाइड्रा की टीम को पहले ऑलरेडी फिनिश करके आ चुकी है आईएसओ की टीम। अगर यहां पर सोल्टी को भी फिनिश करती तो आईएसओ के लिए बहुत ही ज्यादा किल में। ओके सोल्टी का वापस एक और बंदा नॉक होता हुआ, नाइस। ओके I think Solti finish. Okay. So guys, Ayuso की टीम ने काफी एग्रेसिव गेम प्ले यहाँ पर दिखाया। पहले गाइस यहाँ पर हाइड्रा को फिनिश किया, फिर गाइस यहाँ पर सोल्टी स्क्वाड को फिनिश किया। तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पर मेरे को किल देखने को मिला, नौ किल यहाँ पर Ayuso की टीम ने निकाल लिया। काफी ज्यादा एग्रेसिव गेम प्ले देखने को मिला है। ओल्ड लॉर्ड गाइस यहाँ पर नॉक है, आई थिंक रिवाइव दे दिया जाएगा। सीएस की टीम के दिवांश ने गाइस काफी अच्छा स्प्रे दिया और यहाँ पर ओल्ड लॉर्ड को नॉक कर दिया गया। तो गाइस अभी भी 19 बंदे अलाइव, 6 टीम है हु विल विन दिस गेम। यहाँ पर सीएस की टीम भी होल्ड कर रही है, नेक्सस की टीम भी सामने की तरफ आ चुकी है। तो लेट्स गो, Ayuso की टीम यहाँ पर किल्स निकाल पाती है या फिर Ayuso की टीम भी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी, क्योंकि फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आ रहा है। सोल्टी की टीम ने पहले टीयर कौन सा है ब्रो? टीयर 1 है ब्रो, सभी अच्छी टीम से। नेक्सस की टीम गाइस अभी भी होल्ड कर रही है। आई थिंक रिप की स्क्वाड को स्पॉट कर रखा है, रिप के बादशाह करण और वहां पर सामने की तरफ मेरे को कुरकरण भी देखने को मिल रहे हैं। तो यहां पर अगर स्पॉट होता है तो फाइट देखने को मिल सकती है गाइस। जोन अभी और छोटा हो चुका है, जोन गाइस और सिंक होगा, किसी टीम को भी जोन सपोर्ट करेगा देखने वाली बात होगी। सीएस की टीम भी गाइस स्पॉट हो रखी है। सामने की तरफ अगर कोई टीम की बात करें तो वो है टीम रिप। अगर रिप की टीम यहाँ पर स्पॉट करती है तो फाइट अभी भी देखने को मिल सकती है। नेक्सस की टीम भी एक अच्छे से रिच पे होल्ड करके बैठी है। यहाँ पर से सीएस के रैप्टर को स्पॉट कर रखा है लीजेंड ने, तो फाइट अभी भी देखने को मिलेगी सीएस रैप्टर और सीएस और नेक्सस और रिप के बीच में। तो गाइस जोन अभी 8 मिनट में और शिफ्ट होगा, जोन किस टीम को सपोर्ट करेगा देखने वाली बात होगी। टॉड की टीम अभी भी अलाइव है, रिप की टीम अभी भी अलाइव है, फाइट अभी भी देखने को मिलेगी। 6 टीमें, 19 बंदे, तो लेट्स सी फाइट कौन सी टीम यहां पर जीती है। एक और गाइस यहां पर एयर ड्रॉप हमें देखने को मिला, तो एयर ड्रॉप के अंदर क्या ये भी हम देख लेते हैं। एयर ड्रॉप गाइस लूटेड, नाइस, नो नो, ओके। एयर ड्रॉप के अंदर गाइस यहां पर एक और AWM देखने को मिल रहा है, लेवल 3 का पूरा सेट है, लेवल 3 का बैग, लेवल 3 का हेलमेट, लेवल 3 का वेस्ट, एक अच्छा पूरा लेवल 3 का सेट देखने को मिल रहा है। तो और इस ड्रॉप के भी सबसे ज्यादा क्लोज में अगर कोई टीम है, सोल के मैचेस कब है ब्रो? सोल के मैचेस आपको यार, मेरे को गाइज इतना नॉलेज नहीं है, बिकॉज गाइज आई एम ओनली कास्टर। शायद आज मैच था सोल और फिनेटिक का, बट यार कोई रीजन की वजह से आज कैंसिल करना पड़ा। आई एम ओनली कास्टर ब्रो, बट आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ब्रो। ओके यहाँ पर सीएस के रैप्टर को गाइस स्पॉट कर रखा है, नेक्सस के बंदे ने यहाँ पर स्पॉट तो कर रखा है। फाइट देखने को मिल सकती है टीम सीएस और नेक्सस के बीच में। यहाँ पर नेक्सस के अभी मुझे चारों बंदे अलाइव दिख रहे हैं। ओके नहीं नहीं नहीं, एक बंदा ने इन्होंने खुद नहीं मार दिया था, शायद कोई बंदा इनकी टीम में गलत आ गया था या फिर क्या ही हुआ था, इन्होंने खुद नहीं मार दिया था उस बंदे को। बट यहाँ पर टीम नेक्सस की तरफ से हमें 3 बंदे देखने को मिले। यूएमई की टीम है यहाँ पर, आरआईपी की टीम है, सीएस। लेट्स सी गाइस जोन किस तरह मूव करता है, क्योंकि 15 सेकंड में जोन शिफ्ट होगा। जोन जैसे ही शिफ्ट होता है गाइस यहाँ पर सभी टीमों को जोन के अंदर जाना होगा, क्योंकि गाइस यहाँ पर अब हमें लास्ट वाले जोन में गाइस स्मोक बॉल्स देखने को मिलेगी, काफी ज्यादा एग्रेसिव। गाइस यहाँ पर 15 वॉचिंग, जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किए जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और गाइस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। गाइस यहाँ पर सीएस के देवांश यहाँ पर नॉक होते हुए टीम सीएस की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट नॉक हमें देखने को मिला। ओके सीएस का खुद का बंदा नॉक हुआ है, आई थिंक सीएस का एक बंदा यहाँ पर नॉक हो चुका है। लेट्स सी यहाँ पर रिवाइव दे पाएंगे नेक्सस या फिर नेक्सस की टीम यहाँ पर पुश कर देगी। यहाँ पर सीएस की टीम का एक बंदा नॉक है, नेक्सस का बंदा काफी ज्यादा क्लोज है और जोन ऊपर से जा चुका है, नेक्सस की टीम को जोन के अंदर जाना है। टोड की टीम भी गाइस यहाँ पर नॉक निकालते हुए, टोड के बंदे भी गाइस यहाँ पर फिनिश होते हुए, टीम नेक्सस यहाँ पर जाते हुए सामने की तरफ और चौथ लिए जा रहे टीम सीएस की तरफ से। तो लेट्स सी यहां पर नेक्सस के बंदे यहां पर फिनिश होते हैं या फिर जोन के अंदर अच्छी पोजीशन ले पाते हैं। ओके नेक्सस के लीजेंड गाइस जोन से फिनिश हो चुके हैं, नॉक हो चुका है लीजेंड यहाँ पर फिनिश होते हुए। आई थिंक नेक्सस टीम के लिए ट्रबल है, 2 ही बंदा अलाइव है और नेक्सस का एक बंदा मुझे जोन के बाहर दिख रहा है, सामने की तरफ जाएगा और टोड की टीम गाइस यहाँ पर फिनिश होती हुई, टोड के डॉन गाइस जोन से फिनिश होते हैं और टोड की टीम यहाँ पर एलिमिनेट हो चुकी है। सो लेट्स सी टीम सीएस, टीम आईएसओ, टीम यूएमई, टीम आरआईपी और टीम नेक्सस, हु विल विन दिस गेम, हु विल गेट चिकन डिनर इन मीरामार। लेट्स सी तरफ से भी गाइस काफी अच्छे शॉट्स दिए जा रहे हैं। आईएसओ की टीम को यहाँ पर स्पॉट कर रखा है, आईएसओ के बंदों पर यहाँ पर गुरकरण यहाँ पर। ओके मॉड प्लीज ब्रो, हाँ ब्रो ये मेरे हाथ में नहीं है ब्रो। गाइज डोंट फॉरगेट टू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन, गाइज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि डेली नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। सब्सक्राइब करके छोड़ना नहीं है गाइज, बेल आइकन को भी ऑल पे करना है। ओके सो आईएसओ के बंदे गाइस अभी भी सामने की तरफ जाते हुए, सामने की तरफ इनके सामने की तरफ अगर कोई टीम देखने को मिले वो है टीम यूएमई। अगर यूएमई की टीम का एक बंदा ऑलरेडी नॉक है, 2 बंदे सामने की तरफ अलाइव, अगर यूएमई की टीम यहां पर फिनिश होती है तो यूएमई
ओमे की टीम के लिए थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है क्योंकि रिप की स्क्वाड भी काफी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पर ऐश को रिवाइव देना भी जरूरी है, बट यूएमई की टीम के फ्रोस्ट अगर ऐश को रिवाइव देने जाते हैं तो खुद भी नॉक हो सकता है। ओके रिप का एक बंदा नॉक होता हुआ, यूएमई की टीम यहाँ पर रिप के गाइस राहुल को नॉक कर दिया गया, बट राहुल को यहाँ पर रिवाइव दे दिया जाएगा क्योंकि इनके पास व्हीकल है, एक अच्छा कवर बना पाएंगे। बट यहाँ पर यूएमई के बंदे भी गाइस ऐश को रिवाइव दे पाएंगे तो यूएमई की टीम भी यहाँ पर वापस से थ्री मैन के साथ हो चुकी है। आयुषो की टीम अभी अलाइव है, यूएमई की टीम है यहाँ पर रिप, सीएस की टीम भी अभी फोर मैन के साथ है। तो लेट्स सी रिप के गाइस यहाँ पर गुरकरण को काफी ज्यादा डैमेज दिया और गाड़ी से गिर के गाइस यहाँ पर गुरकरण नॉक होते हुए, तो यहाँ पर रिप स्क्वाड के लिए थोड़ी सी डैमेज वाली बात है। गुरकरण को यहाँ पर रिवाइव देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है क्योंकि सीएस की टीम पूरी पीछे की तरफ आ चुकी है। सीएस के आरू आईटी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आते हुए यहाँ पर अगर स्पॉट करते हैं, यहाँ पर मेरे को लग रहा है ये बंदा जोन से फिनिश हो जाएगा। टीम टीएम का ये बंदा जोन से फिनिश हो जाएगा, काफी ज्यादा दूर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर जोन में नहीं पहुंच पाया तो यहाँ पर टीम टी आई थिंक नेक्सस का बंदा है, नेक्सस का यहाँ पर ये बंदा फिनिश हो सकता है। ओके कितनी देर फर्स्ट एड लगाएगा ब्रो, लास्ट फर्स्ट एड है आई थिंक, ये जोन से फिनिश हो जाएगा। तो टीम सीएस की तरफ चलते हैं, यहाँ पर टीम सीएस यहाँ पर नेडिंग करती हुई, रिप स्क्वाड के लिए नेड करती हुई, अगर यहाँ पर नेड से नॉक निकाल पाएगी तो बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर आरू आई टी नेड करते हुए और ओके ओके सो वहां पर जोन से रिप के बंदों को भाई क्या ही आरू आई टी ने नेड किया भाई साहब, ओपी नेड, तीन बंदे नॉक एक नेड से, आरू आई टी ओपी नेड ब्रो। और आई थिंक आर आई टी की टीम यहाँ पर फिनिश हो जाएगी। ओके टीम आरू आई टी, सीएस की आरू आई टी ने भाई क्या ही नेड किया, एक नेड से गाइस यहाँ पर तीन बंदों को नॉक कर दिया था। और गाइस ओके एश गाइस अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रहे हैं, यहाँ पर आईएसओ की टीम हमें देखने को मिल रही है, यूएमई की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है। सीएस की आरू आई टी आईएसओ की टीम है और यूएमई की टीम है, हु विल विन दिस गेम। यहाँ पर आरू आई टी सीएस की टीम काफी अच्छा खेल रही है, अभी तक काफी अच्छा गेम प्ले दिखाया है। आरू आई टी ने क्या ही नेड किया था, आईएसओ की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड करेगी, बट फाइट अभी देखने को मिलेगी। जोन गाइस सिंक हो चुका है, यहाँ पर एक मॉल्टो डाली गई आईएसओ के ओवर लॉर्ड की तरफ से, ओवर लॉर्ड ने यहाँ पर स्पॉट कर रखा है, इनको पता है कि हमारी पीछे की तरफ भी यूएमई की स्क्वाड है और सामने की तरफ सीएस की स्क्वाड है, तो टीम आईएसओ के लिए थोड़ा सा ट्रबल वाली बात है क्योंकि यहाँ पर तीनों बंदे अभी भी आईएसओ के अलावा और थोड़े से स्प्लिट हो रखा है आईएसओ की टीम। सीएस की टीम अभी साथ पे खेल रही है बट आईएसओ की टीम थोड़ा सा स्प्लिट है, यूएमई की टीम भी अभी तक अलाइव है। ओके टीम सीएस के गाइस गाइस देवांश यहाँ पर थोड़ा सा डैमेज देते हुए यूएमई के द्वारा होता है, यहाँ पर नेडिंग की जा रही है अभी भी गाइस, यहाँ पर टीम सीएस के बंदे नेड कर रहे हैं। यहाँ पर टीम सीएस के पास अगर मेन एडवांटेज की बात करें, सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज यहाँ पर टीम सीएस की तरफ से देखने को मिला है यूएमई के। ओके आईएसओ के एक और नेड यहाँ पर बहुत ही सही नेड देखने को मिला, आईएसओ का गाइस एक बंदा यहाँ पर नॉक होता हुआ, बहुत ही सही नेडिंग की जा रही है यहाँ पर टीम सीएस की तरफ से, काफी अच्छी नेडिंग देखने को मिली। टीम आईएसओ के एक विपिन को नॉक कर दिया गया, यहाँ पर रैप्टर अगर यहाँ पर ओवरलॉर्ड को स्पॉट कर पाते हैं तो टीम सीएस आई थिंक यहाँ पर निकाल सकती है। ओके ड्रिंक लगाई जा रही है यहाँ पर ओवर लॉर्ड के द्वारा, अगर रैप्टर सामने की तरफ ही आ चुके हैं, रैप्टर यहाँ पर स्पॉट करते हैं। ओके ओके गलती कर दी रैप्टर ने और टीम आईएसओ यहाँ पर एक और अपना बंदा नॉक करवाती हुई, ओवर लॉर्ड भी यहाँ पर नॉक हो चुके, तो यहाँ पर यूएमई के भी तीन बंदे लाए, फ्रोस्ट यहाँ पर काफी ज्यादा आगे आ चुके, फ्रोस्ट यहाँ पर सीएस के काफी ज्यादा सामने आते हुए, आई थिंक यहाँ पर टीम सीएस ओके टीम सीएस के लिए गाइस ट्रबल है। यहाँ पर बंदे नॉक होते हुए टीम सीएस के द्वारा यहाँ पर बंदे काफी ज्यादा नॉक होते हुए, फ्रोस्ट भी यहाँ पर ओ भाई नाइस 10 एचपी क्लच। तो गाइस टीम सीएस यहां पर एग्जिट लेती हुई आईएसओ की टीम और टीम यूएमई खूब विल विन दिस गेम, चिकन डिनर देखने को मिलेगा हमें टीम यूएमई और या फिर आईएसओ, गाइस काफी अच्छा गेम देखने को मिला टीम यूएमई के फ्रोस्ट के द्वारा। एक स्प्रे में गाइस यहां पर पहले टीम सीएस के रैप्टर को फिर नॉक किया और फिर एक और बंदे को नॉक किया आईएसओ के बंदे, यहां पर सामने की तरफ हमें दो बंदे देखने को मिले यूएमई की तरफ से, तीन बंदे 2v3 विल विन दिस गेम। यहां पर एज सामने की तरफ आ चुके हैं। ओके जोन जाता हूं ऊपर से, जोन के अंदर जाना है। ओके सामने तरफ है। ओके सो गाइस ये फर्स्ट गेम मीरामार का गेम, यहाँ पर टीम यूएमई सीएसपीजी की टीम यहाँ पर चिकन डिनर निकालती है विद 6 किल। यहाँ पर एश ने 3 किल निकाले, फ्रोश ने 3 किल निकाले, काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला। ब्लेड्स की तरफ से यहाँ पर किल नहीं देखने को मिला बट यहाँ पर आईएसओ की टीम की भी गाइस तारीफ करनी पड़ेगी, काफी अच्छा गेम प्ले देखने को मिला, 11 किल्स निकाले आईएसओ की टीम ने। सीएस की टीम के आरू ने भाई वो नेड किया था, क्या ही नेड था, रिप के तीन बंदों को यहाँ पर एक नेड से नॉक कर दिया था, वो नेड की वजह से रिप की स्क्वाड को फिनिश कर पाई थी बट रिप की स्क्वाड की तरफ से किल नहीं देखने को मिला। तो वेल प्लेड टीम यू
एमई एंड आई एसओ भी बहुत अच्छा खेली। तो गाइस अगला मैच यहां पर होगा शेनॉक का, तो उसके लिए थोड़ा सा वेट करो, हम आते हैं। तब तक आप लोग लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन को ऑल पे कर देना ताकि डेली नोटिफिकेशन मिले और आप डेली स्ट्रीम पे आकर एंजॉय कर पाओ। अगर गाइस कास्टिंग अच्छी लग रही हो तो गाइस चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर देना जो कि मेरा चैनल है। तो गाइस थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ। तब तक हम आपसे मिलते हैं अगले रूम के साथ। बाय बाय, आते हैं थोड़ी सी देर में। बाय।
लो गाइस, तो हम वापस आ चुके हैं एक और मैच के साथ। तो ये मैच गाइस यहाँ पर होने वाला जो शेनॉक का मैच है, तो इसके अंदर भी गाइस हमें सेम टीम्स देखने को मिलेगी, कुछ गाइस नई टीमें भी हमें देखने को मिल सकती है। जैसे कि गाइस इस मैच के अंदर हमें एक और नई टीम देखने को मिल रही है, वो कहाँ गई, आई थिंक अभी तक आई नहीं है। तो गाइस हमें इस टीम के अंदर, इस मैच के अंदर एक दो नई टीमें देखने को मिलेगी। तो लेट्स सी गाइस इस गेम के अंदर कौन सी टीम यहाँ पर, जो शेनॉक का मैच होने वाला है, इसके अंदर कौन सी टीम यहाँ पर चिकन निकालती है। क्योंकि गाइस मैच काफी छोटा मैप होता है, गाइस यहाँ पर शेनॉक का मैप काफी अर्ली फाइट देखने को मिलती है। तो लेट्स गो, मैच अभी थोड़ी सी देर में स्टार्ट कर दिया जाएगा। जैसे ही गाइस ये मैच स्टार्ट होता है, 40 बंदे ऑलरेडी आ चुके हैं, कुछ बंदे गाइस और आएंगे और ये मैच बहुत ही जल्दी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा। तो लेट्स सी हु विल, यहाँ पर इग्नाइट की टीम भी हमें देखने को मिल रही है, तो एक नई टीम आई है। सो थोड़ा सा वेट करो आप, हम भी वेट कर रहे हैं। जैसे ही रूम स्टार्ट होता है हम करते हैं आपके लिए कास्टिंग, थोड़ा सा वेट। सॉरी गाइस। तो गाइस आप लोग जिसने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी कर देना, और सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन को ऑल पे कर देना, ताकि गाइस डेली नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप डेली स्ट्रीम पे आकर गाइस एंजॉय कर पाओ। तो लाइक करने के बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दीजिएगा। 3-5 पे स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि मेरे को भी व्हाट्सएप पे मैसेज आया है कि ये मैच गाइस यहाँ पर 3-5 पे स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो थोड़ा सा वेट करें और ये मैच बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिया जाएगा। बट यहाँ पे बंदे मुझे अलग अलग टीम में दिख रहे हैं, यहाँ पर हाइड्रा के बंदे अलग टीम में, क्या पता क्या है। तो देखते हैं, लास्ट गेम जैसा कि हमने देखा था कि कौन सी टीम चिकन ले गई थी, यूएमई की टीम थी शायद, हाँ शायद यूएमई की टीम थी। काफी अच्छा गेम चला, चिकन डिनर निकाला था। बट इस गेम के अंदर देखते हैं कौन सी टीम यहाँ पर चिकन निकालती है, क्योंकि इस गेम के अंदर और भी नई टीम हमें एक दो देखने को मिलेगी और अच्छा गेम प्ले की उम्मीद करेंगे। तो देखते हैं कब ये मैच स्टार्ट होता है और कब हम मिलते हैं आपको इस रूम के अंदर। 3-5 पे बोल रहे हैं रूम स्टार्ट करने का, तो अभी 3 मिनट और है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 3 मिनट के बाद ये रूम स्टार्ट हो जाएगा। आईएसओ की टीम पूरी आ चुकी है, किलर, ओपी, ओल्ड लॉर्ड, एमबॉट और हिटमैन। नेक्सस की तरफ से हमें चारों बंदे देखने को मिल रहे हैं। नेक्सस की टीम को आप लोग जानते ही होंगे, और अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको बता देता हूँ टीम नेक्सस अगर किस टीम है, वो है टीम रूड स्नाइपर। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये बाकी मेरे को जितना पता है टीम नेक्सस उनकी है। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हाँ, रूट स्नाइपर की क्लैन है गाइस ये, जैसा कि ये देखो यहाँ पे लीडर का नाम आपको दिख रहा है, रूट स्नाइपर। सो उनकी क्लैन की तरफ से यहाँ पर बंदे देखने को मिल रहे हैं, अच्छा गेम प्ले की उम्मीद करेंगे। लास्ट गेम भी काफ़ी अच्छा खेला था, काफ़ी एंड तक आए थे, बट एंड में जाकर गाइस फिनिश हो गए थे। तो लेट्स सी यहाँ पर इस गेम के अंदर कैसी परफॉर्म कर पाती है टीम नेक्सस। गॉड्स की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है, डेडली टॉड की टीम भी यहाँ पर आ चुकी है। इग्नाइट का गाइस एक ही बंदा देखने को मिल रहा है, तो रूम अभी 2 मिनट बाद स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो 2 मिनट और वेट करें आप लोग, तब तक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे करें। डेडली चलो, तो रूम स्टार्ट कर दिया गया है। सो लेट्स सी गाइस, यहाँ जो मैप होने वाला है वो शेनॉक का मैच है, काफी जल्दी अर्ली फाइट देखने को मिलेगी। सो मैच गाइस यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है। ओ भाई, किसी का माइक ग्लिच है। किसी का माइक ग्लिच है, मुझे आवाज आ रही है। थैंक्स। सो चलते हैं हम आपको इस रूम के अंदर लेके।
ओके सो गाइस 8 सेकंड और ये रूम स्टार्ट कर दिया जाएगा गाइस। शनोक का मैप है, काफी अर्ली फाइट देखने को मिलेगी यहां पर। 3 2 1 और ये मैप गाइस यहां पर स्टार्ट होता हुआ। तो गाइस यहां पर प्लेन मुझे मूव करता हुआ दिख रहा है, खाओ से गाइस यहां पर जाएगा। बूट कैंप गाइस एकदम बीच में आएगा, पैराडाइज क्वेरी केव डॉग्स। तो गाइस बंदे कहीं पे भी जंप कर सकते हैं, काफी अर्ली फाइट बूट कैंप है। बूट कैंप पे गाइस काफी अर्ली फाइट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं गाइस बूट कैंप पे कौन सी टीम जाती है, पैराडाइज कौन सी टीम जाती है और कौन सी टीम गाइस काफी दूर जाती है। सबसे पहले गाइस जो टीम जंप की है वो है टीम हाइड्रा। हाइड्रा की टीम यहां पर नीचे की तरफ जाती हुई आई थिंक टीम जाएगी खाओ के लिए, हाइड्रा की टीम खाओ के लिए जाएगी। तो यहां पर नेक्सस की टीम भी जंप कर चुकी है और नेक्सस की टीम आई थिंक गाइस हाथीन के लिए जाएगी। तो नेक्स्ट सोल कब खेलेगी ब्रो? सोल का आज शायद मैच था बट आज कोई कारण की वजह से ऑफ करना पड़ा, बट कोई ना कल खेलेगी शायद, कल मे भी आपको सोल देखने को मिलेगी या फिर अभी भी हो सकता है, बट देखते हैं। मेरे को यार नॉलेज नहीं, मैं आई एम ओनली कास्टर गाइस। तो टीम गाइस यहाँ पर नेक्सस भी जा चुकी है और नेक्सस की टीम काफी ज्यादा दूर जाती हुई आई थिंक चैंप अल्फा के लिए जाती हुई। और बूट कैंप के ऊपर एक टीम देखने को मिल रही है, वो है टीम आरआईपी। ओनली टीम जो बूट कैंप के ऊपर आई है वो है टीम आरआईपी। तो यहाँ पर बूट कैंप पे इजीली लूट लेगी और फिर गाइस यहाँ पर आगे जाएगी। और अगर एक अर्ली फाइट की बात करें तो वो हमें देखने को मिल सकती है टीम सोल्टी की तरफ से। सोल्टी के काफी ज्यादा क्लोज यहाँ पर पैराडाइज पर एक और टीम देखने को मिल रही है जो है टॉड की टीम। टॉड वर्सेस सोल्टी की यहाँ पर एक फाइट देखने को मिलती है, सोल्टी के बंदे यहाँ पर सामने की तरफ उड़ो। और गाइस यहाँ पर UME की टीम यहां पर CS के साथ फाइट हो चुकी है। CS के RUIT लास्ट गेम में बहुत ही अच्छा नीड किया था बट इस गेम में सबसे पहले यहां पर एग्जिट लेते हुए और टीम CS का एक बंदा यहां पर फर्स्ट ब्लड की बात करें तो टीम CS की तरफ से यहां पर फर्स्ट ब्लड देखने को मिला। तो टीम CS अपना एक बंदा बहुत ही जल्दी खोती हुई यहाँ पर मैच स्टार्ट ही हुआ था और टीम CS के RUIT यहाँ पर फिनिश हो गए। और गाइज अगर आप बात करें टीम ISO की तरफ तो ISO की टीम यहाँ पर फाइनान पे एकदम अच्छे से होल्ड कर रही है, यहाँ पर इजीली लूट लेगी फिर जाकर अगर फाइट लेगी। तो टीम टॉड अभी भी अलाइव है, अलाइव तो सभी टीम है वैसे। सो टीम 5 के यहाँ पर VFR के साथ यहाँ पर गॉड के दक्ष को नॉक किया, अगर यहाँ पर गॉड्स के दक्ष यहाँ पर गाइज अकेले लैंड किए थे और गॉड्स के दक्ष भी यहाँ पर फिनिश होते हैं। तो गाइस यहाँ पर टीम CS अपना एक बंदा खो चुकी है, टीम गॉड अपना एक बंदा खो चुकी है। तो टीम गॉड और टीम CS के लिए थोड़ा सा ट्रबल हो सकता है। मीनवाइल गाइस यहाँ पर टीम सोल्टी और टीम यहाँ पर जो टॉड की टीम यहाँ पर पैराडाइज पर लैंड की, यहाँ पर एक फाइट देखने को मिल सकती है। दोनों की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज है तो एक फाइट की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में देखने को मिल सकती है। देखते हैं यहाँ पर सोल्टी की टीम कुछ कर पाती है। कार्नेज काफी ज्यादा क्लोज जा चुके हैं सोल्टी के बंदे की, तो यहाँ पर सोल्टी का बंदा सामने की तरफ होल्ड कर रहा है। कार्नेज भी यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ चुका है तो देखते हैं यहाँ पर कार्नेज किल निकाल पाता है या फिर कार्नेज यहाँ पर खुद फिनिश हो जाएगा। सोल्टी की टीम अच्छे से होल्ड करती हुई इजिली लूट ले रही है और फिर जाकर फाइट लेगी। तो देखते हैं यहाँ पर सोल्टी की टीम निकल पाती है या फिर टॉड की टीम, क्योंकि दोनों ही टीमों को गाइस पता जरूर है कि हमारे पास एक टीम है। यहाँ पर टोड को भी पता है कि यहाँ पर एक टीम है और सोल्टी को भी गाइस यहाँ पर पता है कि हमारे पास एक टीम है। तो देखते हैं यहाँ से दोनों टीमों में से कौन सी टीम निकलती है। टोड के डॉन गाइस यहाँ पर आगे की तरफ होल्ड करते हुए सोल्टी के एक्सट्रीम को स्पॉट कर रखा आई थिंक यहाँ पर टोड के डॉन ने। तो CS की टीम भी मुझे काफी ज्यादा क्लोज दिख रही है। अगर यहाँ पर एक थर्ड पार्टी की बात करें तो टीम CS यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए मुझे दिख सकती है काफी ज्यादा क्लोज। अगर कोई बात करें सोल का, सोल भाई अभी देखते हैं आप यार, मैं आई एम ओनली कास्टर यार। गाइज यार सोल का मैच आज था बट यार कोई प्रॉब्लम की वजह से आज कैंसिल करना पड़ा, शायद उनका PMC होगा ऐसा कुछ था या फिर आज कोई कहीं और उनका मैच फिक्स हो गया इसी वजह से। और गेम में ब्रो गेम भी गेम था सोल और फिनेटिक का आज गेम था बट यार कोई कारण की वजह से कैंसिल करना पड़ा। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कोई क्लिकबेट वगैरह, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है बट था मैच था बट वो कैंसिल करना पड़ा कोई प्रॉब्लम की वजह से। सोल्टी की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज आ चुकी है आई थिंक यहाँ पर कार्नेज के एक बंदे के पास, यहाँ पर टोड के काफी ज्यादा क्लोज में मुझे सोल्टी का एक बंदा दिख रहा है। अगर टोड की टीम यहाँ पर स्पॉट कर पाती है तो सोल्टी के इस बंदे को यहाँ पर फिनिश किया जा सकता है और सोल्टी अपना एक बंदा, सोल्टी स्क्वाड यहाँ पर अपना एक बंदा खो चुकी हो सकती है। यहाँ पर टोड के कार्नेज यहाँ पर बाइक के काफी ज्यादा क्लोज है बट अभी फाइट देखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हम चलते हैं किसी और टीम की तरफ, गॉड्स की VFR की तरफ चलते हैं। गॉड्स के एवेंटर यहाँ पर VFR के काफी ज्यादा क्लोज है, अगर यहाँ पर गॉड के बंदे यहाँ पर फिनिश होते हैं तो गॉड की टीम के लिए ट्रबल हो सकता है क्योंकि गॉड का एक बंदा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। अवेटार यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज है, दक्ष ऑलरेडी फिनिश हो चुका है। देखते हैं यहाँ पर गॉड रिंग्स के बंदे यहाँ पर कुछ आगे जा पाते हैं या फिर गॉड रिंग्स के बंदे भी यहाँ पर अर्ली एग्जिट लेते हैं क्योंकि गॉड्स के अवेटार के पास यहाँ पर मुझे अभी कोई भी लूट नहीं देखने को मिल रही है, कोई भी गन अभी इनके हाथ में नहीं देखने को मिलती। अगर यहाँ पर पुश होता है तो यहाँ पर गॉड्स के अवेटार फिनिश भी हो सकते हैं। BFR की टीम अभी भी अंदर की तरफ यहाँ पर होल्ड कर रही है तो यहाँ पर BFR की तरफ से अभी हमें फाइट देखने को नहीं मिलेगी। रिप की तरफ भी एकदम बूट कैंप के बीच में होल्ड कर रही है तो अभी यहाँ पर भी एक फाइट देखने को मिलेगी। अभी सभी टीमें गाइस थोड़ा सा स्प्लिट है, अगर दो टीमें कोई पास है तो वो है टीम सोल्टी और टीम टॉड। तो फाइट अगर कोई अर्ली फाइट की बात करें तो यहाँ पर भी हो सकती है, यहाँ पे ही हो सकती है क्योंकि टॉड के बंदे काफी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पर सोल्टी के बंदे भी स्पॉट कर रखे हैं, सोल्टी की टीम काफी ज्यादा आगे आने की कोशिश कर रही है बट टॉड की टीम काफी ज्यादा स्प्लिट हो रखी है। टॉड के डॉन यहाँ पर काफी ज्यादा अलग है और बाकी टॉड के बाकी तीन टीममेट भी काफी
काफी ज्यादा लगे, तो फाइट तो देखने को मिलेगी, बट यहाँ पर टॉड की टीम के लिए डैमेज हो सकता है। अगर एक किक करके नॉक हुए तो अपनी टीम के लिए थोड़ा सा ट्रबल कर सकते हैं। सोल्टी स्क्वाड के गाइस साधु यहाँ पर आगे की तरफ जाते हैं, बट यहाँ पर अभी ओके शॉट लिए जा चुके हैं। आई थिंक डेडली को स्पॉट किया था, कार्नेज को, कार्नेज आई थिंक स्पॉट हो गए थे, कार्नेज को गाइस यहाँ पर शॉट लिए गए थे। सोल्टी एजे गाइस यहाँ पर सामने की तरफ है, यहाँ पर टोड के कार्नेज के ऊपर शॉट लिए गए थे। सोल्टी की टीम यहाँ पर होल्ड तो कर रही है, बट यहाँ पर फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोनों ही टीमें यहाँ पर स्पॉट कर रखी है एक दूसरे को। टोड के गाइस यहाँ पर जय यहाँ पर सामने की तरफ से फाइट ले सकते हैं। सोल्टी टीम टोड कार्नेज यहाँ पर अभी भी होल्ड करते हुए, सोल्टी के गाइस बंदे अभी भी सामने की तरफ तो आ चुके हैं, बट यहाँ पर अभी फाइट लेने का बिल्कुल भी मूड में नहीं है, क्योंकि इनको पता है कि अर्ली फाइट ली तो किसी भी टीम के लिए गाइस यहाँ पर लॉस हो सकता है। यहाँ पर अर्ली एग्जिट लेना, गाइस जोन यहाँ पर सिंक होना स्टार्ट हो चुका है, जोन किस तरफ शिफ्ट होता है देखने वाली बात होगी। हाइड्रा की टीम को जोन के अंदर जाना है, बाकी टीमें सभी मुझे कमिंग सून की टीम यहाँ पर जोन के अंदर दिख रही है। तो यहाँ पर अभी अगर इनकी तरफ कोई फाइट देखने को नहीं मिल रही है, बट लास्ट गेम भी काफी अच्छा खेला था आरू आई टी ने, यहाँ पर काफी अच्छा गेम प्ले दिखाला था, बट इस गेम में आरू आई टी बहुत ही ज्यादा अर्ली एग्जिट लेते हुए। तो देखते हैं यहाँ पर आरू आई टी या टीम सी आई मीन टू से टीम कमिंग सून कुछ किल निकाल पाती है या फिर चिकन निकाल पाती है विदाउट आरू आई टी के। तो आयुषो की टीम अभी भी एकदम पाइनान के बीच में होल्ड करती हुई, यहाँ पर इनकी तरफ भी अभी कोई टीम देखने नहीं मिलती, क्योंकि जोन गाइस अब सिंक होगा, जोन किस टीम को सपोर्ट करेगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी जोन सिंक होना स्टार्ट हो चुका है। हाइड्रा की टीम के ऊपर से जोन निकल चुका है और जोन के अंदर उस टीम को आना है, और टीम नंबर 7 यूएमई की टीम के काफी ज्यादा क्लोज में कमिंग सून की टीम आती हुई। तो सीएस की टीम अगर यहाँ पर आती है तो टीम यूएमई के लिए ट्रबल कर सकती है, यूएमई के 3 बंदे मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं, गॉड्स के भी गाइस 3 बंदे अलाइव है, एक बंदा फिनिश हो चुका था। तो फाइट अभी भी देखने को मिल सकती है टीम गॉड्स टीम हाइड्रा, तो देखते हैं यहाँ पर गॉड्स ओके शॉट दिए जा चुके हैं। ओके सो गाइस यहाँ पर कमिंग सून का एक बंदा नॉक होता है और एच भी गाइस यहाँ पर नॉक हो जाएगा, तो यहाँ पर कमिंग सून का भी एक बंदा नॉक होता है, यूएमई का भी एक बंदा नॉक होता है, यूएमई की टीम के लिए यहाँ पर ट्रबल है, बट यहाँ पर कमिंग सून के लिए ट्रबल करती हुई कमिंग सून के गाइस यहाँ पर 2 बंदे नॉक है और आई थिंक एक बंदा यहाँ पर फिनिश भी हो जाएगा, तो रिवाइव देना पॉसिबल नहीं। यूएमई की टीम काफी ज्यादा एग्रेसिव खेलती है, सामने की तरफ आ चुकी है कमिंग सून, ओके नाइस क्रोश आते हुए और टीम सीएस गाइस यहां पर एलिमिनेट होती हुई ऐश को रिवाइव दे दिया जाएगा और टीम सीएस का गेम यहां पर फिनिश होता हुआ काफी अर्ली एग्जिट देखने को मिले टीम सीएस की तरफ से। यहां पर कमिंग सून की टीम यहां पर फर्स्ट टीम जो एलिमिनेट होती हुई, यहां पर जोन गाइस एकदम अलग बनता हुआ, यहां पर टीम सोल्टी को जोन के अंदर आना है, सोल्टी की टीम ओके ओके, यूएमई के एक और बंदे को यहां पर नॉक किया गया, बट पीछे से हाइड्रा की टीम यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए आ चुकी है। हाइड्रा की टीम ने यहाँ पर नॉक निकाला, यूएमई के एक बंदे को नॉक कर दिया गया है, तो हाइड्रा की तरफ से एक टीम एचओआईडी के साथ एक फाइट देखने को मिलेगी। ब्लेड्स को यहाँ पर फिनिश किया गया हाइड्रा की तरफ से, सो लेट्स सी यहाँ पर हाइड्रा की टीम यहाँ पर और किल्स निकाल पाती है। हाउ इज कार्नेज प्लेइंग हियर एंड द स्क्रीम आई डोंट नो, मेरे को समझ में नहीं आया आप क्या बोलना चाह रहे हो, बिकॉज भाई मेरे को इतना नॉलेज ही नहीं है कौन सा बंदा क्यों खेल रहा है, इतना मेरे को नहीं पता है भाई, मैं ओनली कास्टिंग के लिए हूँ। तो गाइज इग्नाइट की टीम किस तरफ से हमें एक ही बंदा देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर इग्नाइट के एक ही बंदा यहाँ पर खेल रहा है, बट यहाँ पर सामने की तरफ होल्ड करता हुआ गॉड्स की टीम को यहाँ पर स्पॉट कर रखा है। इग्नाइट के लूजर ने यहाँ पर सामने की तरफ जाएगा, यहाँ पर क्वेरी के अंदर घुस चुका है, सो लेट्स सी यहाँ पर फाइट देखने को मिलती है हाइड्रा या फिर यूएमई या फिर इग्नाइट, दोनों तीनों ही टीमें काफी ज्यादा क्लोज है। गॉड्स के गाइज 3 बंदे लाइव है, यूएमई की तरफ से 3 बंदे लाइव और इग्नाइट का गाइज ओनली एक ही, क्रेजी प्लेस सोल नहीं खेलेगी, क्रेजी प्लेस भाई स्लोल का मैच और फेनेटिक का मैच आज था, बट कोई प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल करना पड़ा, बट खेलेगी आज न अभी या तो लास्ट नेक्स्ट गेम में आपको देखने को मिल जाएगी या फिर कल वाले मैचेस में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि सोल का मैचेस तो है बट यहां पर कैंसिल आज करना पड़ा कोई प्रॉब्लम की वजह से। हाइड्रा की टीम गाइस यहाँ पर सामने की तरफ जाती हुई, बट यहां पर अगर हाइड्रा और गॉड्स एक साथ कैसे खेल रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, हाइड्रा के सेनपाई सीरी में खेल रहे हैं और गॉड्स की बंदे के साथ खेल रहे हैं, बट यहाँ पर एक ही साथ इस गेम में देखने को मिला। पीछे की तरफ अगर कोई इग्नाइट का एक बंदा आ रहा है, जोन गाइस काफी ज्यादा छोटा हो चुका है, यहाँ पर सोल्टी की टीम को जोन के अंदर आना है, टीम नंबर 4 जो है टीम हाइड्रा उनको भी जोन के अंदर आना है, तो जोन के अंदर निकल चुके टीम नंबर 6 भी गाइस जोन के अंदर निकल चुके, 3 सेकंड में गाइस जोन शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। सोल्टी की टीम भी अभी जोन के बाहर है, इग्नाइट के बंदे भी जोन के बाहर है, तो लेट्स सी इग्नाइट का एक ही बंदा है और जोन के अंदर है, सॉरी
तो फाइट तो गाइस काफी ज्यादा होने वाली। इग्नाइट के लूजर यहाँ पर अभी भी होल्ड करते हुए हाइड्रा की टीम सामने आ चुकी है, बट अगर इग्नाइट के लूजर अभी स्पॉट मेरे हिसाब से तो नहीं होंगे, बट स्पॉट हो जाते तो फिनिश भी हो सकता है। तो देखते हैं यहाँ पर इग्नाइट लूजर को इगल्स निकाल पाते हैं या फिर गॉड्स के एवेटार यहाँ पर कुछ फिनिश कर देंगे इग्नाइट को। और एकदम प्रोन होके खेले जा रहे हैं गेम यहाँ पर। सोल्टी की स्क्वाड अभी भी जोन के बाहर है, डेडली टॉड की स्क्वाड भी जोन के बाहर है, हाइड्रा की स्क्वाड भी जोन के बाहर है, तो यहाँ पर रिप नेक्सस की स्क्वाड जोन के अंदर है और नेक्सस की टीम की तरफ से हमें चारों बंदे देखने को मिल रहे हैं। ओके सोल्टी की टीम की तरफ से फाइट देखने को मिल रही है। ओके टॉड के गाइस यहाँ पर एक बंदे को फिनिश कर दिया गया, टॉड की टीम के लिए यहाँ पर ट्रबल, एक बंदा दो बंदे यहाँ पर टॉड के फिनिश हो चुके हैं ऑलरेडी। डेडली यहाँ पर अभी भी अलाइव है और टॉड के एक बंदा और है जो कार्नेज अभी तक अलाइव है, तो टीम टॉड के लिए थोड़ा सा ट्रबल, दो बंदे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। सोल्टी की तरफ से यहाँ पर बहुत ही अच्छे शॉट्स देखने को मिले टीम टॉड के लिए यहाँ पर ट्रबल करती हुई दिखी। टीम सोल्टी यहाँ पर दो किल ऑलरेडी निकाल चुकी है और दो किल ऑलरेडी निकाल लेगी और निकाल लेगी क्योंकि टॉड की टीम के दो ही बंदे अभी अलाइव है। अगर सामने की तरफ जाती है तो टीम टॉड यहाँ पर फिनिश की जा सकती है। हाइड्रा के किसले भी सामने की तरफ है, हाइड्रा ऋषभ किसले और माफिया अभी भी होल्ड करते हैं। लॉर्ड अगर यहाँ पर डार्क लॉर्ड भी कुछ किल्स निकाल पाता है क्योंकि जोन का शिफ्ट होना स्टार्ट हो चुका है, सभी टीमों को जोन के अंदर जाना है। अगर जोन के अंदर नहीं जाते तो गाइस जोन डैमेज दें, ब्रो शाउट आउट दे दो, क्रेजी प्लेस बिग शाउट आउट टू यू ब्रो, क्योंकि गाइस जोन अभी छोटा होगा और भी ज्यादा छोटा होगा, तो देखते हैं किस तरफ जोन जाता है यहाँ पर। गाइस अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे कर देना। और गाइस कास्टिंग अच्छी लग रही हो तो चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देख रखी है, जो मेरी लिंक है उस पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन उधर भी ऑल पे करना ना भूलिएगा। तो गाइस गॉड्स की टीम की तरफ से आयुषो के साथ एक फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। गॉड्स के एविटार यहाँ पर है, अभी भी तीन बंदे गॉड्स की तरफ से अलाइव है और आयुषो के अभी भी चारों बंदे अलाइव है। तो अगर मेन एडवांटेज की बात करें तो आयुषो के पास मेन एडवांटेज ज्यादा है, काफी ज्यादा क्लोज देखने को मिल रही है आयुषो के हिटमैन इमबॉट ओल्ड लॉर्ड और किलर ओपी। बट अगर फाइट लेने की बात करें तो अब भी थोड़ा सी टाइम लग सकता है क्योंकि थोड़ा सा दूर है जोन। गाइस यहाँ पर पाइनान रूइंस बूट कैंप यहाँ पर थोड़ा सा सपोर्ट करता हुआ, तो नेक्सस की टीम जोन के अंदर है। मेरे को यहाँ पर टीम नंबर 7, 6, 16 और 3 यहाँ पर जोन से बाहर दिख रही है, तो टीम नंबर टॉड यहाँ पर जोन के अंदर निकलना शुरू कर दिए। बट टीम सोल्टी अगर स्पॉट करती है तो टीम सोल्टी यहां पर टीम टॉट के लिए और ट्रबल कर सकती है। लेट्स सी गाइस यहाँ पर सोल्टी की स्क्वाड ने स्पॉट तो कर लिया है, मेरे को लग रहा है इनको पता है कि उस तरफ टॉट के बंदे हैं, बट यहां पर शॉट्स अभी नहीं लिए जाएंगे। कार्नेज एकदम भाग तो रहे हैं बट अभी स्पॉट नहीं किए गए। तो लेट्स गो गाइस यहाँ पर सोल्टी की टीम है, डेडली फाइट दोनों में टीमों के बीच में देखने को मिलेगी। गाइस अगर एक और फाइट देखने की बात करें तो आईएसओ और इनकी टीम के बीच में भी एक देखने को मिल सकता है। आईएसओ की टीम यहाँ पर काफी ज्यादा क्लोज दिख रही है मुझे टीम गॉड्स की तरफ से, गॉड्स की टीम यहाँ पर कुछ कर रही है। आईएसओ के किलर ओपी यहाँ पर नॉक हो रहे हैं, सो टीम आईएसओ अपना एक बंदा खोती हुई आईएसओ की टीम के लिए यहाँ पर ट्रबल। हिटमैन आगे आते हुए गॉड्स की टीम की तरफ यहाँ पर हिटमैन आते हुए, यूएमई का भी एक बंदा और वहां पर नॉक हो चुका है। एक नेड यहाँ पर देखने को मिलेगा आईएसओ के हिटमैन की तरफ से, बट यहाँ पर बहुत ही सही रिप की स्क्वाड थर्ड पार्टी करने के लिए आती हुई और टीम आयुषो की तरफ से एक और यहाँ पर मेरे को लग रहा है फिनिश हो जाएंगे। हिटमैन यहाँ पर ब्लीड आउट होकर फिनिश हो जाएंगे और टीम आयुषो अपना एक बंदा और यहाँ पर फिनिश करवाती है, तो आयुषो के लिए यहाँ पर ट्रबल, दो बंदे ऑलरेडी फिनिश हो चुके हैं। रिप की स्क्वाड यहाँ पर थर्ड पार्टी करने के लिए, गॉड्स की टीम यहाँ पर देखने को मिल सकती है, आयुषो की टीम भी यहाँ पर है, तो फाइट इन तीनों टीमों के बीच में होने वाली है। सोल कब खेलेगी ब्रो? खेलेगी यार अभी मैं आपको कुछ ज्यादा नहीं बता सकता बिकॉज यार मैं एक कास्टर हूँ, मेरे को यार जितना नॉलेज मैंने उतना बता दिया। सोल के और फेनेटिक के आज मैचेस थे बट यार कोई प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल करने पड़े। मीनवाइल गाइस टोड के कार्नेज भी यहाँ पर नॉक होते हुए, सोल्टी की टीम यहाँ पर काफी एग्रेसिव खेलती हुई टोड की टीम को आई थिंक यहाँ पर फिनिश कर देगी। यहाँ पर टीम सोल्टी काफी ज्यादा आगे जा रही है और टीम नंबर 3 डेडली अभी भी अलाइव है, टीम टोड के कार्नेज भी यहाँ पर फिनिश हो चुके हैं। सोल्टी की टीम यहाँ पर आगे पुश करने के लिए आ चुकी है, इजी काफी ज्यादा तो क्लोज देखने को मिल रहा है। डेडली एक्सट्रीम यहाँ पर सोल्टी के दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। डेडली ने यहाँ पर स्पॉट किया और डेडली स्पॉटेड। मीनवाइल एक नेड ओपन किया सोल्टी के एजेंट ने, बट यहां पर डेडली बहुत ही ज्यादा आगे आते हुए डेडली वर्सेस टीम टोड गाइस यहाँ पर फिनिश होती हुई, टीम टोड का गेम यहाँ पर फिनिश हो चुका है। सोल्टी की टीम यहाँ पर एक और टीम को फिनिश करते हुए, आई थिंक यहाँ पर टीम टोड को पूरी तरीके से फिनिश कर दिया गया है। अभी जोन के अंदर एक और फाइट देखने की बात करें तो आरआईपी के साथ यहाँ पर टीम नंबर 5 होल्ड कर रही है जो सामने की तरफ है टीम गॉड। आरआईपी की टीम अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है, राहुल है, सेनपाई है, तो देखते हैं यहाँ पर। ओ नाइस नेड, नाइस नेड ओपी, बहुत ही सही नेड देखने को मिला राहुल की तरफ से। यहाँ पर दो बंदों को नॉक किया एक नेड के द्वारा और आरआईपी की टीम यहाँ पर आती हुई और टीम
टीम हाइड्रा गाइस यहाँ पर एग्जिट लेती हुई टीम आरआईपी ने बहुत ही अच्छी तरीके से गेम खेला, टीम हाइड्रा को यहाँ पर बाहर का रास्ता दिखाया। बट अगर एक और टीम की बात करें जो यहाँ पर है वो है टीम आईएसओ, यहाँ पर आरआईपी टीम आ चुकी है, बट आईएसओ की टीम यहाँ पर ऑलरेडी होल्ड कर रही है। बादशाह यहाँ पर सामने की तरफ आ चुके हैं, अगर बादशाह ओके 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 बट बादशाह यहाँ पर नॉक होते हुए बादशाह गाइस यहाँ पर नॉक हो चुके हैं, टीम आरआईपी को थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ पर, बादशाह नॉक हो चुके हैं। आरआईपी का भी दो बंदे सामने की तरफ आ चुके हैं, आरआईपी गुरकरण है, बादशाह है, करण है और राहुल है, तो देखते हैं यहाँ पर टीम आईएसओ किल्स निकाल पाती है या फिर टीम ओके बादशाह फिनिश होते हुए टीम आरआईपी के गाइस बादशाह फिनिश हो चुके हैं, तो टीम आरआईपी के लिए भी थोड़ा सा ट्रबल है यहाँ पर, बादशाह फिनिश हो चुके हैं, स्काउट आरआईपी स्क्वाड के राहुल यहाँ पर अभी भी होल्ड कर रहे हैं, तो देखने में मजा आएगा यहाँ पर आईएसओ की तरफ से फाइट देखने को मिलेगी। तो देखते हैं यहाँ पर आईएसओ आरआईपी दोनों में से कौन सी टीम यहाँ से आगे निकलती है। हाइड्रा के बंदे भी गाइस ऊपर की तरफ देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे, ओके बीएफआर को स्पॉट कर रखा है यहाँ पर डार्क लॉर्ड ने हाइड्रा के, बट शॉर्ट्स क्यों नहीं लिए, मेरे को लग रहा था शॉर्ट्स लेंगे बट यहाँ पर शॉर्ट्स देखने को नहीं मिले। सोल्टी की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है, आईएसओ के एम बॉट है, आईएसओ के ओल्ड लॉर्ड है, आरआईपी की टीम यहाँ पर देखने को मिली, इग्नाइट के लूजर अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो फाइट अगर किसी बात की टीम की बात करें तो यहाँ पर दोनों टीमों के बीच में अच्छी फाइट देखने को मिल सकती है, आरआईपी की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है, आईएसओ के बंदे दो अभी यहाँ पर देखने को मिले, तो आरआईपी की टीम के भी तीन बंदे अलाइव है, 24 बंदे आर टीम हु विल विन दिस गेम। ओके पुश कुछ एमबॉट यहाँ पर आए हैं बट यहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा आरआईपी का कोई बंदा है यहाँ पर, ओके यहाँ पर कोई नहीं है, नेक्स्ट बिल्डिंग में है फाइट, अभी देखने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, आईएसओ के ओल्ड लॉर्ड है, सोल्टी के एज है, तो यहाँ पर फाइट अभी एक और देखने में, हाइड्रा के ऋषभ को भी यहाँ पर नॉक कर दिया गया, तो टीम हाइड्रा के लिए थोड़ा सा ट्रबल है, दो बंदे और नॉक होते हुए, माफिया अभी भी अलाइव है, लॉर्ड डार्क लॉर्ड अभी भी अलाइव है, यहाँ पर डार्क लॉर्ड रिवाइव दे रहे हैं ऋषभ को, बट सोल्टी की टीम मुझे नहीं लग रहा है यहाँ पर छोड़ने वाले क्योंकि सोल्टी की टीम काफी ज्यादा आगे आ चुकी है और पीछे की तरफ से शॉट देखने को मिल रहा है, थर्ड पार्टी करती हुई टीम बीएफआर, सोल्टी का भी एक बंदा नॉक है बट रिवाइव दे दिया गया, दोनों टीमें गाइस यहां पर थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है, यहां से टीम आ रही थी थर्ड पार्टी कर रही है और वहां से ओके 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 माफिया भी गाइस डैमेज लेते हैं और डार्क लॉर्ड फिर से नॉक होते हुए, तो टीम हाइड्रा के लिए थोड़ा सा ट्रबल है, डार्क लॉर्ड यहाँ पर हाइड्रा की तरफ से फिर से नॉक, माफिया फिर से नॉक होते हुए, तो टीम हाइड्रा की तरफ से यहाँ पर ऋषभ इकलौते लाइव है, आई थिंक टीम हाइड्रा यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं, ऋषभ इकलौते लाइव है और आई थिंक ओके बच गए भाई, एश बहुत ही बचा है, एश क्या ही बचा है यहाँ पर, टीम हाइड्रा की तरफ से एक बंदा और नॉक है और डार्क लॉर्ड को यहाँ पर रिवाइव नहीं दिया जा रहा है, एश सामने की तरफ से आते हुए, आई थिंक यहाँ पर हाइड्रा की टीम को एश फिनिश कर सकता है, स्पॉटेड है एश को, पता है कि उस तरफ कोई बंदा है, यहाँ पर हाइड्रा की टीम को अगर स्पॉट करता, ओके मैंने बोला ही था यहाँ पर फिनिश कर सकता है और हाइड्रा की टीम को यहाँ पर टीम एश जो यूएमई की टीम है यहाँ पर फिनिश किया गया, यहाँ पर मेरे को लग रहा है जोन के अंदर जाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, यहाँ पर लगाया जा रहा है एक बैंडेज, बस सोल्टी की टीम पीछे से स्पॉट कर रही है, एश को स्पॉट किया जा सकता है, एक्सट्रीम बहुत ही पीछे की तरफ, अगर यहाँ पर एश को स्पॉट करता है तो टीम यूएमई यहाँ पर फिनिश हो सकती है, तो देखते हैं यहाँ पर एश स्पॉट होते हैं या फिर टीम सोल्टी यहाँ पर फिनिश हो जाएगी एफपीपी, ओके और टीम यूएमई भी गाइस यहां पर एग्जिट लेती हुई, तो गाइस अभी छह टीमें और अलग है, इग्नाइट लूजर अभी भी यहां पर सामने की तरफ इकलौते खेल रहे हैं, इग्नाइट लूजर यहां पर अकेले खेल रहे हैं बट एम के 14 हाथ में यहां पर, ओके पीछे से शॉट्स लिए गए, सोल्टी की टीम गाइस वहां से यहां पर आ गई और यहां पर ऑलरेडी चार टीमें मुझे देखने को मिले, बीएफएफ की टीम है, आरआईपी की टीम है, आईएसओ, सोल्टी के एक्सट्रीम गाइस जोन से नॉक होते हुए, तो रिवाइव देना पॉसिबल नहीं होगा, सोल्टी की टीम यहां पर अपना एक बंदा खो देगी, तो देखते हैं यहां पर सोल्टी की टीम कुछ किल्स निकाल पाती है या फिर आरआईपी की टीम यहां पर आगे निकलती है, क्योंकि इग्नाइट यहां पर काफी ज्यादा अलग खेल रहे हैं, एक नेट किया जाएगा आई थिंक सोल्टी के लिए, एक नेट किया जा रहा है लूजर के द्वारा, इग्नाइट के लूजर यहां पर नेट ओपन किया है, नेट डाला गया बट इस नेट क्या करेगा, नहीं नेट ने कुछ नहीं किया यहां पर, नेट के द्वारा कुछ नहीं किया, आरआईपी टीम अभी भी होल्ड कर रही है, सो देखते हैं यहां पर आरआईपी टीएम और सोल्टी के एक्सट्रीम जोन से फिनिश हो चुके हैं, तो देखते हैं सोल्टी की टीम भी अब टू मैन के साथ है, आईएसओ की टीम भी यहां पर टू मैन के साथ ही, इग्नाइट लूजर अकेले खेल रहे हैं बट बीएफआर की टीम अभी भी फोर मैन के साथ है, अगर मैन एडवांटेज की बात करें तो टीम बीएफआर अभी भी फोर मैन के साथ हमें देखने को मिलती है, तो गाइस अभी भी अगर आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी कर देना, बेल आइकन को ऑल पे करना ना भूलिएगा, आरआईपी की टीम भी गाइस यहां पर एक बंदा अपना नॉक और करवाती हुई, तो गुरकरण और राहुल इकलौते लाइव है यहां पर, गुरकरण करण को रिवाइव देने जाएगा और रिवाइव आई थिंक इजीली दे दिया जाएगा क्योंकि टीमें काफी ज्यादा पीछे, नेक्सस की टीम काफी ज्यादा पीछे, नेक्सस की टीम भी गाइस अभी भी फोर मैन के साथ हमें देखने को मिलती है, तो नेक्सस की टीम के पास भी मैन एडवांटेज की बात करें तो ज्यादा मैन एडवांटेज टीम नेक्सस के पास हमें देखने को मिल रहा है,
सोल्टी स्क्वाड गाइस बीएफआर आरआईपी हु विल विन दिस गेम। यहां पर सोल्टी एक और किल निकालती है, इग्नाइट की टीम यहां पर फिनिश होती हुई, इग्नाइट के लूजर इकलौते खेल रहे थे इग्नाइट की टीम की तरफ से और लूजर यहां पर फिनिश होते हुए और इसी के साथ टीम इग्नाइट का गेम यहां पर खत्म होता है। तो गाइस जोन अभी काफी ज्यादा छोटा है, जोन और शिफ्ट होगा किस टीम को यहां पर सपोर्ट करेगा देखने वाली बात होगी। पाइनान के ऊपर पूरा जोन देखने को मिल रहा है बट यहां पर जोन एकदम छोटा बनता हुआ है। यहां पर टीम नंबर 17 को जोन के अंदर आना, सोल्टी की टीम को जोन के अंदर आना है, नेक्सस की टीम और बीएफआर की टीम हमें जोन के अंदर देखने को मिल रही है। तो सोल्टी की टीम और टीम आईएसओ को जोन के अंदर आना। ओके आरआईपी अपना एक और बंदा यहाँ पर नॉक करवाती है बीएफआर के द्वारा। आरआईपी की टीम यहाँ पर अपने नॉक बहुत बार करवा चुकी है, एक नेड ओपन किया गया गुरकर के द्वारा, यहाँ पर नेड डाला जाएगा बट ये नेड कुछ करेगा नहीं। यहाँ पर बीएफआर की टीम फोर मैन के साथ खेल रही है, आरआईपी की टीम के एक बंदे को फिर से नॉक कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ से आरआईपी की टीम यहाँ से आगे निकलती है या फिर बीएफआर की टीम। सोल्टी की टीम आगे जा रही है बट आगे इनका वेट कर रही है टीम आईएसओ। तो बीएफआर आरआईपी अपनी सामने की तरफ होल्ड कर रही है। तो बीएफआर के जो रैपजॉन है यहाँ पर स्पॉट कर रखे हैं आरआईपी के बंदों को। तो देखते हैं यहाँ पर आरआईपी की टीम यहाँ पर कोई क्लिन किल वगैरह निकाल पाती है या फिर रैप जॉर्ड भी गाइस यहाँ पर फिनिश हो जाएंगे क्योंकि इनको पता है सोल्टी की टीम अभी भी सामने की तरफ होल्ड कर रही है। रिप के गाइस तीन बंदे यहाँ पर नॉक हैं, आईएसओ के दो बंदे हैं और जोन के अंदर आ चुके हैं। नाइस ओके एम बॉट गाइस यहाँ पर नॉक होते हुए नेक्सस के द्वारा एक किल निकलता हुआ, नेक्सस की टीम यहाँ पर एक किल निकालते बट भाई साहब क्या ही डैमेज दिया है यहाँ पर नेक्सस का, एक बंदा और नॉक हो सकता था बट यहाँ पर टीम ओके ओके और टीम आईएसओ भी गाइस यहां पर एलिमिनेट होती हुई, टीम आईएसओ का भी गेम यहां पर फिनिश किया गया है, टीम आईएसओ यहां पर एलिमिनेट कर दी गई टीम आरआईपी के द्वारा। सोल्टी के एजे गाइस यहां पर नॉक करते हुए, तो सोल्टी की टीम के लिए यहां पर ट्रबल है, सोल्टी के एजे यहां पर नॉक हो चुके थे, सोल्टी का एक ही बंदा बलाइव है जोन के अंदर, इसे भी जाना है। तो टीम सोल्टी ओके ओके शॉट्स ले जा रहे हैं। तो देखते हैं गाइस यहां पर सोल्टी की टीम यहां पर आगे निकल पाती है या फिर सोल्टी की टीम भी यहां पर फिनिश हो जाएगी क्योंकि सामने की तरफ अगर होल्ड कर रही है वो है टीम आईएम। सोल्टी के एजे गाइस जोन की तरफ से पूरी तरह फिनिश होते हुए, तो नेक्सस की टीम अभी भी बीएफआर की टीम अभी फोर मैन के साथ देखने वाली है। तो अगर मैन एडवांटेज की बात करें तो टीम बीएफआर टीम नेक्सस अभी मैन एडवांटेज में सबसे ज्यादा है। यहां पर ब्लास्टी रिप के गाइस बंदे भी काफी ज्यादा डैमेज दिया, गुरुकरण ने काफी ज्यादा डैमेज दिया। तो नेक्सस की टीम अभी भी अलाइव है, बीएफआर की टीम है, तो तीन टीमें हमें देखने को मिल रही है, टीम आरआईपी टीम नेक्सस और टीम बीएफआर। हु विल विन दिस गेम, हु विल गेट चिकन डिनर, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। लास्ट फाइट देखने को मिलेगी। आरआईपी की टीम भी यहां पर होल्ड कर रही है, रिप की स्क्वाड है, तो देखते हैं यहां पर नेक्सस की टीम कुछ क्लच निकाल पाती है या फिर आरआईपी की टीम यहां पर कुछ क्लच निकाल पाती है क्योंकि आरआईपी टीम गाइस अभी भी होल्ड तो कर रही है। इनको पता है कि सामने की तरफ बंदे, आरआईपी की तरफ से तीन बंदे देखने को मिल रहे हैं, नेक्सस की तरफ से चार और बीएफआर की तरफ से चार और नाइस नेड। बीएफआर का एक बंदा नॉक होता हुआ नेड के द्वारा और रिवाइव करने के लिए मेरे को नहीं लग रहा फ्यूजन आएंगे पीछे से रिवाइव देने बट यहां पर आई थिंक फिनिश भी हो सकते हैं। वेनेडिक के मैचेस का ब्रो यार आज मैच था फेनेटिक और सोल का बट यार कोई प्रॉब्लम की वजह से कैंसिल करना पड़ा बट होंगे आज नहीं तो कल होंगे बट होंगे जरूर। बीएफआर की टीम यहाँ पर होल्ड कर रही है, फ्यूजन है यहाँ पर सामने की तरफ, फ्रैग ओपी देखने को मिल रहा है, रैपजॉर्ड है और ब्लास्टी अभी भी सामने की तरफ है। तो आरआईपी की तरफ से फाइट जरूर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर नेक्सस की टीम फोर मैन के साथ है, ब्लास्टी को रिवाइव देना पॉसिबल नहीं है, फ्यूजन जोन से थोड़ा सा डैमेज देते हैं, फ्यूजन को यहाँ पर जोन के अंदर आना बीएफआर की टीम के लिए थोड़ा सा ट्रबल कह सकते हैं। इस जोन के अंदर आना फ्यूजन यहाँ पर आ चुके बट फ्यूजन को स्पॉट ओके फ्यूजन यहाँ पर रिवाइव दे रहे हैं बीएसआर की टीम को, बीएफआर के अपने टीममेट्स को और यहाँ पर स्मोक ड्रॉप किया गया, आई थिंक स्मोक किया जाएगा यहाँ पर फ्यूजन के लिए स्मोक किया गया। तो यहाँ पर ओके फिर से नेड आता हुआ और ब्लास्टी फिर से नॉक होते हुए, जस्ट रिवाइव हुए ही थे और यहाँ पर फिर से नॉक होते हुए तो और एक और नेड और बीएफआर के फ्यूजन भी गाइस यहाँ पर नॉक होते हुए। तो बीएफआर टीम के लिए थोड़ा सा ट्रबल है, दो बंदे यहाँ पर नॉक करवा चुकी है टीम बीएफआर। यहाँ पर रैपजॉर्ड अभी भी लाइव, फ्रैग ओपी अभी भी लाइव है, तो देखते हैं यहाँ से कौन सी टीम यहाँ पर चिकन निकालती है। यहाँ पर रैपजॉर्ड यहाँ पर ब्लास्टी टीम बीएफआर के गाइस ब्लास्टी यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं ओके ओके बीएफआर के फ्रैग ओपी भी गाइस यहाँ पर नॉक होते हैं बट जाते जाते एक नॉक निकाल के गए, नेक्सस के एक बंदे को नॉक कर दिया बट यहाँ पर जोन के अंदर जाना है दोनों टीमों को। रिप की टीम जोन के अंदर देखने मिल रही है, नेक्सस की टीम जोन के अंदर देखने मिल रही है बट बीएफआर के रैपजॉर्ड यहाँ पर फर्स्ट एड लगाते हुए, फर्स्ट एड भी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, दो ही फर्स्ट एड, एक फर्स्ट एड और लगाएंगे बट यहाँ पर देखते हैं टीम बीएफआर यहाँ पर कोई किल निकाल पाती है या फिर आगे जाएगी या फिर जोन के साथ फिनिश हो जाएगी। जोन के अंदर जाएगी और रिप की टीम वेट कर रही है, आई थिंक रिप की टीम एक और किल निकाल लेगी, यहाँ पर वेट तो कर रहे हैं। सामने की तरफ जाते हैं बीएफआर के रैपजॉर्ड यहाँ पर काफी आगे आ चुके हैं, इनके पास फर्स्ट एड हीलिंग बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही है। ऊपर की तरफ आरआईपी की टीम होल्ड कर रही है, तो यहां पर से देखने को मिलेगी टीम आरआईपी की फाइट
सो देखते हैं यहाँ पर नेक्सस के लेजेंड को यहाँ पर नॉक कर दिया गया। तो बीएफआर के रैप्सोड एक बहुत ही अच्छी जगह पर आकर रुक चुके हैं यहाँ पर। ओके ओके रैप्सोड आई थिंक यहाँ पर फिनिश हो सकते हैं क्योंकि बैंडेज की आवाज आ रही है ऊपर की तरफ आ रही है। पिकडीम होल्ड कर रही है बट इनको पता नहीं है। और नेक्सस का एक और बंदा यहाँ पर नॉक करता हुआ था। यहाँ पर नेक्सस की टीम भी यहाँ पर ट्रबल ले सकती है। बीएफआर का एक बंदा यहाँ पर रैप्सोड इकलौता लाया बट यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह पर बैठा है। किसी को स्पॉट नहीं है यहाँ पर बहुत ही अच्छी जगह पर। अगर रैप्सोड बैठा है, अगर यहाँ पर स्पॉट नहीं होता है तो रैप्सोड यहाँ पर किल्स भी निकाल सकता है। अगर यहाँ पर दो तीन स्मोक कर दिए जाए तो बहुत ही अच्छी बात होगी। बट यहाँ पर ऊपर आ रही पिकडीम वेट कर रही है। नेक्सस की टीम भी अभी फोर मैन के साथ देखने को मिल रही है। तो नेक्सस के जियोस यहाँ पर जोन के साथ नॉक होते हैं। नेक्सस की टीम के लिए ट्रबल है। नेक्सस की टीम बहुत ही सही खेला था बट यहाँ पर लास्ट गेम में थर्ड पोजिशन पे रहे थे और इस गेम में यहाँ पर सात किल के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से चिकन डिनर निकाला। बट बीएफआर की भी तारीफ करनी पड़ेगी। नंबर फिफ्थ पे फिनिश हो सकते थे बट काफी अच्छी तरीके से खेले यहाँ पर रैप्सोड और अपनी टीम को रनर अप तक लेके आए। तो बहुत ही अच्छा गेम प्ले फ्रॉम टीम बीएफआर। बट यहाँ पर किल की बात करें तो सोल्टी की स्क्वाड के सबसे ज्यादा किल यहाँ पर देखने को मिल रहे। तो उन्होंने किल किए थे सोल्टी की स्क्वाड ने 11 किल सबसे ज्यादा किल। तो गाइस आप लोग वेट करें अगला मैच होने वाला है शैनॉक का तो वो गेम भी अभी स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ी सी वेट करें तब तक लाइक करें सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दें। तो थोड़ा सी देर बाद हम फिर से आते हैं। तब तक के लिए बाय। सो हेलो गाइज, मुझे एक इंफॉर्मेशन मिली है कि आज गाइज एंड रिजल्ट विल बी ओके। सो गाइज अभी मुझे एक अनाउंसमेंट मिली है कि यार अभी आज दो ही मैच होने वाले क्योंकि गाइज जो जो टीमें खेलने वाली उनके गाइज पीएमसीओ के मैच यहाँ पर बीच में आ रहे हैं और गाइज उनका थोड़ा सा कॉलेज वगैरह का थोड़ा सा ये इशू चल रहा है। तो इसी वजह से जो टीम्स आना चाह रही थी और जिनको गाइज स्लॉट दे रखे थे वो टीम्स नहीं आ पा रही है। तो गाइज थोड़ा सा आज थोड़ा सा ट्रबल हो रखा है। सो गाइज आज दो ही मैच हुए। एक फर्स्ट मैच हमें देखने को मिला जो मीरामार का मैप था उसके अंदर यूएमजी की टीम ने काफी अच्छा चिकन निकाला और सेकंड मैच यहां पर आरआईपी की टीम ने काफी अच्छा चिकन डिनर निकाला। तो कल गाइस और मैचेस होंगे तब तक आप लोग वेट करें। और गाइस जो डार्क हॉर्स हॉर्सेस के कप का जो रिजल्ट है वो गाइस इंस्टाग्राम पे डाल दिया जाएगा। तो मैं यहां पर इंस्टाग्राम का यूजर नेम यहां पर पेस्ट कर रहा हूं डार्क मैं यहां पर पेस्ट कर रहा हूं बैड ब्लड गेमिंग नाम से आएगा HOUHOR। ये देखो गाइज यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया है 1212। तो गाइज ये इंस्टाग्राम का यूजर नेम है बैड ब्लड गेमिंग नाम से मैंने पेस्ट किया है। तो इसके ऊपर जाकर क्लिक करें और जाकर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि गाइज इसका रिजल्ट जो होगा वो इंस्टाग्राम पे पेस्ट कर दिया जाएगा। तो आप लोग जाकर उसे ज्वाइन कर लें इंस्टाग्राम पेज पे। तो आप लोग उससे मिलते हैं कल एक और स्ट्रीम के साथ। तब तक आप लोग वेट करें और हम
चलते हैं हम भी, हमारे भी गाइज यहाँ पर 4 बजे कोचिंग स्टार्ट होने वाली है, तो मैं जाऊँगा अभी कोचिंग, और कल मिलते हैं आपसे एक और स्ट्रीम के साथ, एक और मैच के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, और तब तक लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर देना, जिसने भी अभी तक नहीं किया कर देना, कल आप लोगों से और मिलेंगे रूम के साथ। और गाइज अगर कमेंट्री अच्छी लग रही हो तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक दे रखी है बैड ब्लड गेमिंग, उसके चैनल को भी जाकर सब्सक्राइब कर दो, जो मेरा की जो कि मेरा चैनल है, तो आप लोग उसके चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना। तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइज, मिलते हैं कल एक और स्ट्रीम के साथ, तब तक आप लोग लाइक कर देना, बाय।